तो लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्सम्शन डिडक्शन छोड़ना पड़ेगा टूवर्ड द्लास हमने वो लॉन्ग लिस्ट भी गो थ्रू किया गया यह सब आपको छोड़ना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट द रेट ऑफ न्यू रेजिम ओल्ड में तो सभी मिलेगा न्यू रेजिम में यह सब आपको छोड़ना पड़ेगा इसके बाद में नेक्स्ट एडवांटेजेस एएमटी जो भी आपको लगता है others, next, optional. Optional. मतलब new, और इसमें वो बहुत सारा चीजें उन्होंने जो इंसर्ट किया उसके ऊपर लंबा डिस्कशन किया आई डू अर कैप ऑफ दैट ऑल्सो लास्ट पॉइंट विच इज कॉमन इन ऑल द सेक्शन ऑफ न्यू रेजिम दैट इज कॉमन स्पेशल रेट इज गोइंग टू बी

अगर आप नॉन पीजीबीपी वाले हो तो एवरी ईयर बिफोर दी ड्यू डेट यू कैन से मेरे को ओल्ड चाहिए मेरे को ओल्ड चाहिए अदरवाइज बाई डिफॉल्ट न्यू में रहोगे और अगर आपका पीजीबीपी है तो अगेन बाई डिफॉल्ट न्यू बिफोर दी ड्यू डेट ऑप्ट फॉर ओल्ड एंड नाउ यू आर इन ओल्ड यू आर इन ओल्ड ओल्ड नहीं जमा वापस न्यू में आना आ जाओ लेकिन अब एक बार वापस न्यू में आ गए यू कांट अगेन गो टू ओल्ड एक्सेप्ट इफ यू स्टॉप हैविंग प्रोफेशन फिर हमने वन वन फाइव बी एस सी पढ़ना चालू किया तो उसके रेट बेसिकली तीन तीन लाख का स्लैब है एंड फाइव टेन करके खाली एक वाला स्लैब उठा दिया इंपोर्टेंट डिस्कशन अबाउटिटेंस न्यू रेजिम अगर आपका इनकम पंद्रह लाख क्रॉस करता है तब तो ओल्ड और न्यू दोनों में ही थर्टी परसेंट लगेगा सो वॉट एवर डिफरेंसिंग लिटिल इनकम ऑफ फिफ्टीन लैक्स एट फिफ्टीन लैक का इनकम न्यू रेजिम में हमारा कितना टैक्स आ रहा था अप्लाइंग दिसब्स तो आज के बाद हम करेंगे भी वैसे ओवर 15, 000, पे 30 और वही पंद्रह लाख अगर ओल्ड रेजिम के हिसाब से आता है तो आपका टैक्स आता है टू लैख सिक्स इन अदर वर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे इन योर लाइफ न्यू टैक्सेशन रेजिम कैन डू हाईस्ट हाई एस्ट से

सैलरी के जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे बट देर एनडमेंट क्या स्टैंडर्ड डिशन अदर डिडक्शन पीजीबीपी के बहुत सारे जो डिडक्शन है एक का जो नहीं मिलता था, लेकिन अब वो मिलेगा दैट वॉज ऑल्सो एन अमेनमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिकॉज दिस इज गोइंग टू क्लियरली मेक अस डिसाइड कुछ भी हो जाए न्यू रेजिम नहीं लेने का ऑलवेज ऑलवेज ऑप्ट फॉर ओल्ड रेजिम बिकॉज दिस विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ईच वन ऑफ एस

फॉर गोइंग ऑफ डिडक्शन सिक्स ए बिकॉज वो हम सबके लिए होता है कुछ ना कुछ होता है वो पूरा का पूरा आपको नहीं मिलेगा उसमें इंक्लूडिंग जो अग्निवीर कॉर्पस फंड के बारे में अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड जो नई चीज आइएट दी अग्निपथ स्कीम साढ़े सत्रह से इक्कीस साल की एज के बीच में यू कैन अप्लाई फॉर आर्मी पोस्ट और चार साल काम करके यू हैव टू कंपल्सरीली रिटायर साढ़े ग्यारह लाख के आसपास का के एक कॉर्पस फंड उसमें भी आधा तो आपके ही सैलरी से कट कट के उस फंड में जाता है सो थर्टी परसेंट ऑफ योर सैलरी विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट फंड और उतना का उतना मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी डालेगी और चार साल के बाद में आपको वो जो लमसम है वो पूरा का पूरा पैसा दे देगी नो पेंशन नथिंग और आर्मी के जॉब में आपका ड्यूरेशन सिर्फ चार साल रहे और जो लोग ये चार साल में अच्छा काम करते हैं उसमें से ट्वेंटी मिलेगा एंड यहाँ पे लोगों का प्रोटेस्ट जो, जो बचपन से सोच रहा है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा आर्मी में करियर बनाऊंगा अपन अपन दुकान जाऊंगा लेकिन देर आर पीपल देर आर पीपल जो बचपन से यही सोच के रखे अब वो बोलता है चार साल से ज्यादा तो रहने को ही नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है क्योंकि उसको लाइफ टाइम पेंशन से बचना है ना परमानेंट जॉब दिया तो लाइफ टाइम पेंशन देना पड़ेगा तो अक्रॉस कंट्री इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए गए एट द द एंड ऑफ डे गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर गिविंग यू जॉब सिक्योरिटी और उसके बाद में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था तो जिस जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है वो वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर आगे आ गए बिकॉज उनको चाटने का ही तो चीफ मिनिस्ट्री मिलता है और किसके लिए मिलेगा तो वो वो स्टेट के सीएम आगे आके बोले दैट अगर आप अग्निवीर हो अगर आप ये चार साल का नौकरी करके वहां से निकले हो यू फॉल इन द सेवेंटी फाइव परसेंट जिसको परमानेंट जॉब नहीं मिला तो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी नौकरियां निकलती है उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि थिंक अबाउट इट आपने अपने लाइफ के चार साल इन्वेस्ट कर दिया इक्कीस साल की एज में गए और पच्चीस साल की एज में वापस आए इट्स अ बिग पीरियड आपका करियर का जो फ्लो है वो बिगड़ गया अदरवाइज आप चार साल में और कई लाइफ में प्रोग्रेस कर लेते दिस करियर विल लास्ट ओनली फॉर फोर इयर्स बट गवर्नमेंट इज एडमेंट वन थिंग वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोदी गवर्नमेंट इसके एक बार जो हमने सोच लिया वो हम करेंगे

Allow. ये some exceptions हैं. Otherwise आपके जो main targets हैं, ATC, ATD, ATG, all that is not going to be available. These were the tax benefits that we had to forego. क्या आप लोगों को ये याद आता है? क्योंकि मैंने tax का जो rates किया, उसके immediately बाद I moved to the tax benefits to be foregone. चालू हुआ क्या नहीं? Are you able to see the screen? हो रहा है. दीने दी.

लर्न मत करो अभी ज्यादातर चीजें आपको समझ में भी नहीं आएगी तो ये सेक्शन पढ़ना ही हमारा सिलेबस है एस वी प्रोसीड इन अवर सिलेबस वी विल लर्न स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डिडक्शन बिजनेस प्रोफेशन के जो एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वो सब जैसे जैसे सिलेबस होगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे इज दैट अंडरस्टूड नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि कुछ भी हो जाए इस जन्म में न्यू रेजिम नहीं लेने का और समझदार लोग तो समझ रहे लेकिन आंटी को न्यू रेजिम और भी अट्रैक्टिव बनाना है तो आंटी ने और कुछ पॉइंट्स इंसर्ट किया वो लंबा सा लिस्ट और जो लोग भी ये हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाना चाहते हैं वो यहां पे वो 20 पॉइंट लिखने जितनी जगह छोड़ देना मतलब आपको कम से कम 30-35 लाइन छोड़ना पड़ेगा इफ यू डोंट वांट टू शफल बिटवीन द टेक्स्ट बुक एंड द नोट्स अगेन एंड अगेन फॉर योर रिवीजन

इट कवर्स अदर्स बट रिबेट के लिए एलिजिबल कौन है लास्ट ईयर तक मैं यहां पे लिखता था सेम सेम मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू फाइव लैक एक्चुअल टैक्स और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर मतलब जो रिबेट की एलिजिबिलिटी ओल्ड में वो ही न्यू में भी है करेक्ट और नो तो पांच लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स जीरो हो जाएगा तो ये सेम था लेकिन आंटी को न्यू रेजिम को और अट्रैक्टिव बनाना है. तो आंटी ने यहां पर भी चेंज किया न्यू सबसे और अब न्यू सब्सेक्शन एड करके बोला जो जो लोग अब न्यू टैक्सेशन रेजिम लेगा मतलब हाउ बी एलिजिबल फॉर रिबेट तो कंडीशन तो अगर आप देखोगे तो कैन यू सी पहला दोनों तो वही है तो दैट वे एज सच को तो कोई अमेंडमेंट नहीं है ओल्ड में भी रेसिडेंट न्यू में भी रेसिडेंट ओल्ड में भी इंडिविजुअल न्यू में भी इंडिविजुअल Come on. लेकिन you will be eligible for rebate for income up to rupees इनकम lakh. So this is the change. Till last year लास्ट इतना लिखता था कि same खाली रिबेट लिख के सेम लिख के छोड़ देता कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी अब थोड़ा सा चेंज इंट्रोड्यूस किया अब रिबेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ओल्ड up बी income इनकम लेवल ऑफ फाइव लैक एंड इन न्यू रेजिम विल बी to इनकम लेवल ऑफ

अगर आपकी इनकम अप टू सेवन लैख है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा तो बाय द वे सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मुझे बताओ दैट इफ समवन हैज इनकम ऑफ एग्जैक्ट तो न्यू रेजिम के हिसाब से उसका टैक्स कितना आएगा पहले टैक्स आएगा फिर रिबेट मिलेगा ना तो वो कितना आएगा कैसे आया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फर्स्ट थ्री लैख जीरो नेक्स्ट थ्री लैख का फाइव परसेंट पंद्रह हजार और लास्ट वन लैख का 10% दैट इज 10000 15 ,000 और 10 25 आंटी बोली एक्चुअल टैक्स जो हाईएस्ट है कितना और 25000 विच एवर इज लोअर तो अगर उनको ऐसा बोलना है 7 लाख तक नो टैक्स तो रिबेट का अगर उन्होंने मॉनेटरी लिमिट बढ़ाया तो फिर रिबेट का क्वांटम भी बढ़ाना पड़ेगा इन अदर वर्ड्स इन अदर वर्ड्स इन ओल्ड रेजिम अप टू इनकम ऑफ 5 लाख बिकॉज़ ऑफ रिबेट योर टैक्स विल बिकम जीरो

आप समझे भाई वो टैक्स बेनिफिट्स टू बी फोरकोन पहले करते तो ही आप ये समझोगे न्यू रेजिम का सेवन लैक बिना डिडक्शन क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन शक्ल साइंटिफिक रिसर्च और स्पेसिफाइड बिजनेस टी कॉफी रबर एट्टी सी का हाइएस्ट लिमिट अपर लिमिट ऑफ डेढ़ लाख और एट्टी एट्टी डी में तो सच बोलू तो अपना 25 और पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन होते हैं तो उनका 50 75 मिलता है बट अज्यूम करो कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है आई एम नॉट सीनियर सिटीजन अरे माय मदर इज आल्सो नॉट शी इज 58 59 इयर्स ओल्ड नाउ तो अगर मैं उनका भी तो मेडिकल इंश्योरेंस तो भरता हूं तो मेरा लिमिट 25 और उनका लिमिट 25 25 25 50 Assuming that actual expenditure is more than the upper लिमिट बिकॉज़ इट इज नॉट फ्लैट डिडक्शन ऑफ वन लैक फिफ्टी थाउजेंड इट इज एक्चुअल अगर मैं अपना एटीसी का और एमिट ही पूरा यूज कर लू तो पता है न्यू में जो इनकम सात लाख आ रही है ना वो डिडक्शन लेके होल्ड के हिसाब से पांच लाख हो जाएगी एंड वॉट अबाउट द रिमेनिंग एटीन डिडक्शन रिमेनिंग नाइनटीन डिडक्शन ये भी आंटी ने पागल बनाने का ही काम किया है ढोल पिट पिट के क्या बोला एलिजिबिलिटी ऑफ रिबेट इज बिंग एनहेंस्ड फ्रॉम फाइव लैक टू सेवन लैक मतलब याद रहे पांच लाख और दस रुपया इनकम था तो बारह हजार पांच सौ दो के टैक्स में कोई रिबेट नहीं था आई होप येस और न्यू रेजिम में क्या बोला सात लाख तक कोई टैक्स नहीं मतलब दो लाख ज्यादा होगा ना तो भी तुम्हारा टैक्स नहीं होगा अरे वो दो लाख तो मैं वैसे एटीसी लेकर खत्म कर लूंगा और बाकी जो टैक्स बेनिफिट छोड़ने पड़ता है उसका क्या आंटी आप एटीयू ले लो यू आर एलिजिबल आप समझे क्या वेट वेट आई एम नॉट डन आपको और कुछ है इसके अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन है लॉजिक अभी जितना बोला उसके ऊपर क्वेश्चन है बोलिए जी मतलब यू विल नॉट हैव टू स्पेंड दैट मनी चलिए आपकी सोच ये है कि सर देखो मेरे को अगर इस इनकम को ओल्ड के हिसाब से पांच लाख बनाना है तो खर्चा करके बनेगा ऐसे नहीं बनेगा बट आप ये भी सोचो कि आप वो खर्चा किस चीज के लिए कर रहे एक, एक सेकंड के लिए अज्यूम करो कि इंडिया से ओल्ड रेजिम निकल गया अज्यूम करो एक सेकंड के लिए देर इज ओनली न्यू रेजिम करेक्ट New regime, मतलब नो टैक्स बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस सात लाख की आपके एलिजिबिलिटी है अब डिस्पाइट देर बी नो टैक्स बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस विल यू टेक इट और द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली और नो यू वॉन्ट टू बी रेडी फॉर मेडिकल कंटिजेंसी और नो ये तो अगर टैक्स बेनिफिट नहीं भी हो तो भी करना टैक्स बेनिफिट ऑफ प्रीमियम्स दैट वी पे फॉर अवर इंश्योरेंस इज ओनली अ बाई प्रोडक्ट

ज भी थी चर आपके कुछ आइडियान ग्रो करे वी आर ईयर फॉर नॉलेज मुझे जितना नॉलेज है लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस तो जो अफोर्ड कर सकता है वो लेगा ही लेगा सबसे पहली चीज जब लाइफ में पहली बार मैंने इनकम अर्न किया था सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि यार लाइफ इंश्योरेंस का कुछ कर लेता हूँ भले छोटे अमाउंट से स्टार्ट करता हूँ उस टाइम पे प्रीमियम भरने की कैपेसिटी कम थी इसलिए आप अगर rent भरोगे तो आपको एचआरए का एग्जामेशन मिलेगा करेक्ट ओल्ड रेजिम में आप एचआरए का एग्जामेशन ले सकते हो न्यू रेजिम में आप नहीं ले सकते हो अब आप ये सोचोगे कि सर लेकिन उसके लिए तो रेंट भरना पड़ेगा ना बिना रेंट भरे तो एचआरए का एग्जाम्सन नहीं मिलेगा तो इससे अच्छा तो न्यू रेजिम में रहने का बट कैन यू नॉट अंडरस्टैंड के अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको रेंट भरना पड़ेगा बिकॉज ये मुंबई है और मुंबई में तो सोलोमोन भाई है तो तो रेंट रेंट भरना तो ही पड़ेगा ना यार फुटपाथ पे थोड़ी सो सकते हैं तो जो खर्चे लाइफ में नेसेसरी है वो नेसेसरी है वो करने पड़ेंगे पहले उनके टैक्स बेनिफिट भी मिलते थे अब नहीं मिल रहे और वो नहीं देख के सीज प्लेइंग ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट सेइंग दैट मैंने आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ा दी सो इज दैट क्लियर तो फाइनल कंक्लूजन इज ओल्ड रेजिम में किस लेवल तक लायबिलिटी विल बिकम जीरो फाइव लैख एंड न्यू रेजिम में अप टू सेवन लैख क्योंकि उस लेवल तक जितना टैक्स आ रहा है वो रिबेट उन्होंने बना दिया करेक्ट लेकिन न्यू रेजिम में एक और हिडन बेनिफिट डाला जिससे आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी और भी बढ़ जाएगी ओल्ड रेजिम में जब एग्जैक्ट पांच लाख का इनकम था तो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड वॉज बिकमिंग नो

ओल्ड के अंदर अगर आपका इनकम पांच लाख है तो आपका टैक्स जीरो हो रहा था लेकिन अगर आपका इनकम पांच लाख और दस रुपया है तो पूरा बारह हजार पांच सौ दो आ रहा था मतलब दस रुपए की वजह से दिस होल टैक्स वाज कमिंग बट वाज देयर एनी मार्जिनल रिलीफ नहीं इट्स ओनली अ रिबेट दैट वी आर गिविंग यू लेकिन यहां पे इस साल जो आंटी पहले तो आप देखोगे तो उन्होंने ये पार्ट ही चेंज कर दिया ना दिस इज अमेंडमेंट नहीं तो ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ ये तो पहले भी रेसिडेंट इंडिविजुअली था अमेंडमेंट वाला पार्ट यह है आंटी फिर ये भी बोली के साथ में साथ में यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा नॉर्मली बेसिक टैक्स में मार्जिनल रिलीफ नहीं रहता है मार्जिनल रिलीफ कम्स ओनली इन द कैलकुलेशन ऑफ सरचार्ज बट यहां पे मिलेगा फॉर एग्जांपल इफ योर इनकम इज एग्जैक्ट सेवन लाख रुपीज तो आपका टैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ रहा है बट इट विल बिकम जीरो बिकॉज ऑफ रिबेट और नो, yes no? अगर आपका इनकम सात लाख और दस हजार रुपये पहले आप मेरे को टैक्स करो टैक्स करके दो एज पर न्यू रेजिम ऑफ कोर्स सेवन लैख तक तो पच्चीस हजार आया था एंड टेन थाउजेंड इज गोइंग इन टेन परसेंट स्लैब गिविंग यू टैक्स ऑफ इनकम एज इंक्रीज बाय टेन थाउजेंड द टैक्स है आपका जीरो बन जाएगा बिकॉज द डिफरेंस इन टैक्स कैनोट एक्सीड द डिफरेंस इन इनकम इफ इनकम हेज इंक्रीज बाय टेन थाउजेंड तो टैक्स कैनोट इंक्रीज बाय ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड माई बैड सॉरी जीरो नहीं बनेगा वॉट इज द डिफरेंस इन इनकम टेन थाउजेंड तो टैक्स विल ऑल्सो भी मैक्सिम टेन थाउजेंड दिन ये बेनिफिट आप कुछ सात लाख सत्ताईस हजार और अट्ठाईस हजार के बीच में जो इनकम आती है इट्स एन ऑड फिगर ओके यू कैन सी टेन कैलकुलेट इड सात लाख सत्ताईस हजार में कितना टैक्स आ रहा है और जो डिफरेंस इन टैक्स है वो उस इनकम के डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकता

इज़ गोइंग टू बी क्वांटम ऑफ रिबेट एक्चुअल टैक्स और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच एवर इज लोअर एंड मान लीजिए आपने सेवन लैक क्रॉस किया ओके तो दैट वे यू मै नॉट बी एलिजिबल फॉर रिबेट लेकिन यू विल बी एलिजिबल फॉर मार्जिनल रिबीट इज दैट क्लियरली अंडरस्टूड बाई एवरी वन चलिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड कॉन्सेप्ट सर चार्जेस एंटायरली सेम ओल्ड रेजिम में इंडिविजुअल्स का सरचार्ज किया था इंडिविजुअल एजेपी पचास लाख क्रॉस किया तो टेन परसेंट आफ्टर वन करो आफ्टर टू करो आफ्टर फाइव करो लेकिन ट्वेंटी एप्लीकेबल इन सर्टन केसेस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी मतलब पूरा सेम है खाली 37 परसेंट वाला सरचार्ज नहीं आएगा मतलब आफ्टर करोड़ न्यू रेजिम में कितना सरचार्ज 25 और आफ्टर करोड़ भी 25 और वो भी वो जो पांच केसेज है उसमें ट्वेंटी नहीं लगेगा उसमें तो हाइएस्ट पंद्रह लगेगा सो दिस मार्जिनल चेंज शी एस अगेन इन सरचार्ज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करके न्यू रेजिम को अट्रैक्टिव बनाने का ट्राई फाइनली अच्छा है अब तक ये तो नहीं बोला कि न्यू रेजिम में नो से तो और एक चीज अलग करके रखनी पड़ेगी सेस 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 विल विल अप्लाई अप्लाई एट परसेंट ऑलवेज ऑन वॉट बेसिक टैक्स माइनस रिबेटिव एलिजिबल प्लस सर्च चार्जेफ एप्लीकेबल करेक्ट सेस विल बी सेम दिस फाइनली कंक्लूड्स अवर सेक्शन वन वन फाइव बी ए

दिस वॉज आप समझ लीजिए एक एग्जिस्टिंग सेक्शन आए वैसे दोनों साथ में थे लेकिन एक बार के लिए समझ लीजिए कंपनी के न्यू रेजिम के लिए एक सेक्शन दिया डबल नाउ अवर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप लॉजिक समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक ही एस के लिए दो दो न्यू टैक्सेशन रेजिम क्यों चाहे कंपनी हो गया सोसाइटी हो लॉजिक समझिए अवर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर अगर इंडिया में गुड क्वालिटी के गुड्स बनेंगे नहीं तो हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा वेदर परफ्यूम्स और कुकीज और चॉकलेट्स या ड्यूटी फ्री से आप जो भी लेते हो इफ इंडिया डज नॉट मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देन वी हैव टू इंपोर्ट देम यू विद दिस एंड बिकॉज अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स टू मिनट साइलेंस फॉर दो सर इंडिया को तो चाइना से ना इंपोर्ट पर बैन लगा देना चाहिए मतलब तो पाकिस्तान का कोई औकात है क्या पाकिस्तान को इतना पावर किससे आता है चाइना से आता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बंद सुनो चाइना से अगर इंडिया इंपोर्ट बंद करेगा ना इंडिया ही बंद हो जाएगा ऐसे शटर नीचे करके बोला इंडिया आज लॉक है बिकॉज यू गो होम एंड टेक थ्री सिक्सटी डिग्री परिक्रमा सब चाइना है टीवी फ्रीज एसी वॉशिंग मशीन आपके मोबाइल डिवाइसेस सब चाइना है अगर आपको लगता है नो नो सर एप्पल तो एक बार उसको उल्टा करके देखना

क्योंकि इंडिया में होली होती है कलर चाइना से आता है इंडिया में रक्षाबंधन होता है राखी चाइना से आता है इंडिया में गणेश उत्सव होता है तो गणपति का मूर्ति चाइना से आता है इंडिया के अंदर दिवाली होता है लाइट चाइना से आता है खाली चार दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं नहीं नहीं सड़क की दुकान से देसी मिट्टी का दिया खरीदो पांचवे दिन लोग चाइना की लाइट खरीद के लेके आते हैं मकर संक्रांति में पतंग और उसका जो धागा आता है वो चाइना से आता है मकर संक्रांति आई होप यू आर

वॉट एवर वॉज द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर कंपनी अगर आप एक नए प्लेयर हो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो आपके लिए एक अलग सेक्शन बनेगा और इस सेक्शन और इस सेक्शन में टैक्स की रेट में करीब करीब आठ परसेंट का डिफरेंस आएगा द रेट ऑफ इनकम टैक्स विल डायरेक्टली फॉल बाय एट परसेंट मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग सारी कंपनीज के लिए एक ही ऑप्शन है सर्विस वाली कंपनी ट्रेडिंग वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो पहले से चल रही है उसके लिए एक ही ऑप्शन है BAA. अब एंड दैट डेट इज कौन सी डेट से इनकॉर्पोरेट हुई कंपनीज विल कम तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यह वाला जिसका रेट ऑलमोस्ट आठ परसेंट कम इज दैट अंडरस्टूड और कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए एक ही सेक्शन गवर्नमेंट बोलती है जैसे नया कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है वैसे ही नया कॉपरेटिव सोसाइटी भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है तो जो इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस दे रहे हैं न्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल अदर कंपनीज ऑल अदर कंपनीज विल इंक्लूड ट्रेडिंग कंपनी सर्विस कंपनी ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो सेम डिफरेंस इन दोनों में आएगा ओल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ बिजनेस विल गो इन बी एडी

बी ए बी एंड बी ए का कंडीशन आर सेम बिकॉज बोथ आर एनेबलिंग रिस्पेक्टिव सेविंग्स ऑफ एट परसेंट बी ए बी और बी ए का रेट पूरा सेम है और बी डबल बी ए डी का रेट सेम मतलब वॉट एवर वॉज डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी ए बी इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन बी एडी एंड बी ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विल गो इन बी ए बी एंड कॉपरेटिव सोसाइटी उन दोनों के लिए बहुत सारा कंडीशन है सब कंडीशन सेम

आप समझे क्या तो वी आर गोइंग टू लर्न सबसे पहले तो इन चारों में रेट क्या पहले रेट बताई देते हैं ताकि हमको माइंड में ये श्योर तो हो जाए दैट जैसे इंडिविजुअल को टैक्स बेनिफिट छोड़ने का बोला था इन सब सेक्शन में इनको भी टैक्स बेनिफिट छोड़ने का बोलेंगे तो उसके लिए टैक्स सेविंग्स तो होना चाहिए तो पहले रेट समझ लेते हैं द बेसिक टैक्स वी ऑलवेज स्टार्ट विथ बेसिक टैक्स यहां पर ट्वेंटी टू परसेंट और सोसाइटी के यहाँ पे न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बेनिफिट दिया है ब्रो? आ, आपको 7 लग रहा है, लेकिन बाई दर्सेंट कर दूंगा आप चिल करो दो मिनट के लिए बेसिक का ही डिफरेंस सेवन है तो सरचार्ज से तो डिफरेंस बढ़ेगा ही ना ऑफकोर्स दिस इज फिफ्टीन सो डू यू रियलाइज

पहले मैं आपको ओल्ड रेजिम याद दिलाता हूं डोमेस्टिक कंपनी का ओल्ड रेजिम का सरचार्ज आफ्टर वन करोड़ सेवन परसेंट था एंड आफ्टर टेन करोड़ ट्वेल्व था नॉन डोमेस्टिक का जीरो टू फाइव था लेकिन वो तो इधर है ही नहीं वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक कंपनी आफ्टर वन करोड़ सेवन परसेंट एंड आफ्टर टेन करोड़ ट्वेल्व परसेंट करेक्ट और कॉपरेटिव सोसाइटी का क्या था वही सेम जो डोमेस्टिक कंपनी का था जीरो सेवन ट्वेल्व डू यू रिमेंबर यस देर इज अ स्मॉल चेंज इन कॉन्सेप्टे सरचार्ज हमेशा आएगा दिस सरचार्ज इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर इनकम अगर कंपनी का अगर कंपनी का या कॉपरेटिव सोसाइटी का इन एनी ऑफ दिनकम दस रुपया भी है तो बेसिक टैक्स ये रेट पर लगेगा और कंपल्सरी सरचार्ज आएगा इन ऑल द केसेस टेन परसेंट दीज आर केसेज ऑफ ये वो cases है जहां पर सरचार्ज कंपलसरी आएगा भले इनकम एक रुपया हो के एक करोड़ हो के सौ करोड़ डिपेंड्स ऑन यम फिगर बट इन द न्यू रेजिन बिकॉज दैक्सेस आर सो लो दरचार्जर इज गोइंग टू बीपल्सरी टेन परसेंट एंड आफ्टर सर चार्ज वॉट डू वी एड वो तो कॉन्स्टेंटली फोर परसेंट रहेगा तो इफेक्टिवली वॉट इज द इनकम टैक्स रेट इन द फर्स्ट प्रोविजन वेदर कंपनी और कॉपरेटिव सोसाइटी दोनों का पहला प्रोविजन और फिर न्यू वाले का दूसरा प्रोविजन है किसको किसको लगता है ट्वेंटी टू प्लस दस प्लस चार सौ छत्तीस थर्टी सिक्स नहीं टेन परसेंट ऑन ट्वेंटी टू 24.2 और उसका चार परसेंट विल इफेक्टिवली गिव यू एंड डू यू अंडरस्टैंड ये तो पूरा सेम ही है ना फिर एंड मैं बार बार बोलू तो आप समझ लो दैट ये दोनों ज्यादा सिमिलर है भले असैसी इन दोनों के सेम रहेंगे मित्रों प्लीज फोकस भले असैसी इन दोनों में सेम है लेकिन ज्यादा सिमिलरिटी इन दोनों में and what about the second provision for newly incorporated whether company or cooperative society in manufacturing business pandra das or char 29 sir. 17 point have i proved to you the difference of 8% in tax matlab newly incorporated organization in manufacturing sector whether company or cooperative society will directly get a benefit of 8% in tax rate total difference 8% ज दैट अंडरस्टूड याद रहे दैट इन चारों केसेस में और छुटाइस इंडिविजुअली करता हूं इन दोनों केसेस में जो लोग भी ये ले रहे इनको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एप्लीकेबल नहीं रहेगा दैट इज वन ऑफ दीक्रेट एडवांटेजेस ऑफ द न्यू टैक्सन एजी और इन लोगों को ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं रहेगा एंड सेकेंड थिंग वॉट एवर रेट्स यू गेट योर इफ देर इज एनी इनकम विच इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू टू अप्लाई मतलब मतलब डोमेस्टिक कंपनी नॉन मैन्युफैक्चरिंग पुराना कंपनी ट्रेडिंग कंपनी वो तो यहां पे आएगा अगर उसको कैजुअल विनिंग्स हुआ है तो वो थर्टी परसेंट में जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है वो ट्वेंटी परसेंट में जाएगा स्टॉक मार्केट का है तो उसकी स्पेशल रेट में जाएगा जो नॉर्मल इनकम है विच डॉट गो इन एनी स्पेशल रेट दैट विल कम अंडर ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट

आर लोअर देन दी ओल्ड रेजिम ओल्ड रेजिम में कंपनी का इनकम टैक्स का रेट थर्टी परसेंट था ये दोनों उस थर्टी परसेंट से लोअर है डोमेस्टिक कंपनी वो थर्टी ये दोनों लोअर है करेक्ट है नाउ यूर वन स्टूडेंट कैन एंटरअप मी समूडेंट कैन एंटरअप मी एंडेल मी नहीं नहीं सर लेकिन कंपनी का कभी कभी थर्टी नहीं ट्वेंटी फाइव भी लगता है चल ट्वेंटी फाइव भी लगा तो भी ये तो लोअर है

हाँ लेकिन सर वहां पे सरचार्ज हमेशा थोड़ी आता है इधर ही आता है नो no प्रॉब्लम सेस तो हमेशा आएगा अब एक काम करो वहां का ट्वेंटी फाइव लोग और इग्नोर करो सरचार्ज चार्ज अस्यूम करो सरचार्ज नहीं है पर सेस तो आएगा चार परसेंट पे आएगा तो खाली चार परसेंट सेस एड करके ही वो क्या बनेगा ट्वेंटी सिक्स बनेगा येस और नो सो यू अग्री दैट बोथ ऑफ दिस दीज आर ऑल इंक्लूसिव तो ऑल इंक्लूसिव तो वो ट्वेंटी सिक्स इससे बड़ा ही है और थर्टी तो बेसिक में ही बड़ा है तो आर वी सेफली क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट द रेट्स इन न्यू रेजिम आर लोअर देन ओल्ड रेजिम रेजिमेंट ऑफकोर्स फॉर विच यू विलोट ऑफ टैक्स आर वी सेफली क्लियर ऑन दिसके एज फार एज को ऑपरेटिव कंसर्न देखिए सच बोलू तो पहले बीस हजार रुपए तक फर्स्ट टेन थाउजेंड टेन परसेंट एंड देन नेक्स्ट टेन थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट जैसे ही आपने दस हजार क्रॉस किया ये वाला तो बेनिफिशियल हो ही गया करेक्ट और नो जैसे ही आपने बीस हजार क्रॉस किया ये वाला बेनिफिशियल बीस हजार के बाद होगा मतलब यहां पे आई डू विद द फैक्ट दैट ओल्ड रेजिम फर्स्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगा लेकिन नए वाले में तो फर्स्ट टेन थाउजेंड के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा बट देन जब हम लार्जर पिक्चर की बात करें तो अगर कोई कॉपरेटिव सोसाइटी किसी एकाद साल में इट्स अ लॉस मेकिंग सोसाइटी तो एक आज साल में उनका इनकम बीस हजार से कम है और उनको यू नो बेटर फेयर इनफ नो प्रॉब्लम लेकिन गवर्नमेंट में, के, तो के लिए आप नॉर्मल लॉस हो वी अगर हमको लॉजिक चाहिए तो ऑन द अजम्पशन दैट यार बीस हजार से तो ज्यादा ही होगा इनकम और जैसे ही बीस हजार से ज्यादा होता है ऑटोमेटिकली ये दोनों आपको बेनिफिशियल लगना

और इसके साथ में हम लोग बी ए डी करेंगे मित्रों ये पहले करेंगे सर ये दोनों अलग अलग असेसिक सिका उल्टा बी ए बी सेम असेसिक है बी डबल ए के साथ या बी ए ही सेम लेकिन उससे ज्यादा सिमिलरिटी इन दोनों में ओके उसके साथ खाली असेसी सेम है बाकी सब तो इधर सेम है सो इज विथ मी अब मैं ये कैसे कराऊंगा सी देर विल बी सर्टन थिंग विच इज डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल पहले पॉइंट की बात करूं दिस इज फॉर डोमेस्टिक कंपनी एंड दिस इज फॉर जो डिफरेंट है कैन आई से आई हैव देम देम अंडर है लेकिन जो सेम है वो मैं यहां से लिखना चालू करूंगा यहां तक लिखूंगा I will write it across the two sections. Or majorly, it is same only. Main difference was the eligible assessee. So, if you are a domestic company, you have option of 115 BAA, and if you are a resident cooperative society, you have got option of 115 BAD. क्या हमको ये तो पता ही है कि ये दोनों सेक्शन ऑप्शनल है इनफैक्ट न्यू सेक्शन के न्यू रेजिम के सारे के सारे सेक्शन ऑप्शनल है यस बट इन दीज केसेस इनफैक्ट नॉट जस्ट दीज टू बट ऑल द फोर वॉन्ट टू सी हाउ मच यू रिमेंबर बाई डिफॉल्ट रेजिम क्या होगी ओल्ड मतलब ये दोनों अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू एक्सरसाइज ऑप्शन टू अवेल न्यू रेजिम और आपको दिख रहा है कॉमन लिखा मतलब दोनों को एप्लीकेबल है और वह भी आपको कब करना पड़ेगा ऑन और बिफोर वन थर्टी नाइन वन इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एक्सरसाइज दिन टू अवेल न्यू रेजिम ऑन और बिफोर दी वन थर्टी नाइन वन ड्यू डेट करेक्ट कैन आई से ये पॉइंट दोनों में कॉमन है सो टिल नाउ व्हाट इज द ओनली डिफरेंस कंपनी एंड सोसाइटी बस उसमें भी डोमेस्टिक और रेसिडेंट लिखा है लाइक बी जिसमें नॉन रेसिडेंट भी आता है तीसरा वंस टेकन क्या हमको ये याद है फॉर एवर न्यू ज बट दिसंट स्टडीडिफोर कमोन हमने अगर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा था एक इनके रेट्स क्या है ना तो तो रेट्स आर ओवर रेट तो ये रहे ना आपके सामने इन दोनों में ही द रेट द इफेक्टिव रेट देखो नॉर्मली हम लोग इफेक्टिव रेट नहीं लिखते बिकॉज किसी को सरचार्ज लगता है किसी को नहीं लगता है लेकिन यहां पे तो हमेशा लगेगा यू कैन ऑलवेज अपलाई दी इफेक्टिव रेट ओल्डी ट्वेंटी सबसे मेन फैक्टर अगर आपको ये न्यू टैक्सेशन रेजीम चाहिए तो लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइसिस आपको करना पड़ेगा अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट that you will have to forego in order to be eligible for these provisions. Now, do you remember 115 BAC में वो list बहुत ज़्यादा ही लंबा था, 20 point थे, याद है? But इसमें ये list इतना लंबा नहीं हो सकता। I'll tell you the reason. 115 BAC में जितने भी salary के head के थे, 105, 5, 10 13 10, 14, आपका standard जो uh, section 16 के deduction से standard तो मिलेगा। एक last point था,

दूसरा गुड न्यूज वॉट एवर इज देयर योर इज फ्रॉम दैट लिस्ट तो जो जो सिर्फ इंडिविजुअल को लगता है वो निकाल दो जो बची हुई लिस्ट है वो यहां के लिस्ट है मोस्ट पॉपुलर ऑफ बींग चैप्टर सिक्स है वो आपको नहीं मिलेंगे बट याद रहे उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन थे फॉर एग्जाम्पल जॉब क्रिएशन वाला एटी डबल जे डबल है फॉर गिविंग जॉब टू न्यू पीपल एम्प्लॉयमेंट वाला दैट इज अलाउड और सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पेशली इन एमसीक्यू के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उसके ऊपर ही आता है दे विल गिव यू इनकम एज पर ओल्ड और बोलेगा कैलकुलेट टैक्स एज पर न्यू कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते सुनो इनकम कैसे देंगे ओल्ड बोलेगा कैलकुलेट टैक्स एज पर न्यू इनकम एज पर ओल्ड विद डिडक्शन होगा तो उसमें जो जो डिडक्शन लिया उसको एड बैक करो सब करो लेकिन एट्टी डबल, जा डबल, जा डबल ले को add नहीं करने का बिकॉज दैट इज अलाउड इवन इन द न्यू द्यू डिड यू अंडरस्टैंड तो अगर आपको देखना ही है तो वेरी क्विकली आई विल शो यू और आपको जिसको भी लिखना है वो यहां पे चार पांच लाइन छोड़ देना ताकि आपके बुक में वो नोट्स आ जाए वेरी क्विकली आई विल शो यू वट आर दी टैक्स दैट बी ए डी वन वन फाइव बी ए डी में अब वही कंपनीज कवर होगी वही ही सोसाइटी कवर होगी जो अब 115 में नहीं जा रही है सो दिस इज गोइंग टू एक्सक्लूड एनी वन दैट एस गॉन इन द न्यू सेक्शन ओके फ्लैट रेट तो समझ गए और सेस नीचे मैंने लिखा हुआ है आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है ओल्ड में मिलेगा न्यू में नहीं मिलेगा ये वाला पॉइंट था आई डोंदर यू रिमेंबर आई टोल्ड यू तो सेक्शन ही अब निकल गया दिस सेक्शन वॉज एप्लीकेबल टिल 1920 ओनली बट दे है लॉ इट सेल्फ तो उनको लॉ से ही निकाल देना चाहिए जिस दिन वो लोग इस सेक्शन में से पॉइंट डिलीट कर लेंगे you know क्योंकि आपके दिमाग में दूसरी धुमकियां चालू हो जाती है तो हाउ मेनी पीपल नाउ नोटिस्ट वॉट आई सेट टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द लेक्चर साइंटिफिक रिसर्च के सेक्शन में टोटल सात पॉइंट उसमें से वन इज एप्लीकेबल ओनली टू कंपनी तो ये सोसाइटी का सेक्शन है एप्लीकेबल नहीं छह बचा छह में से दो थर्टी फाइव थर्टी टू कौन सा दो थर्टी दोनों अलाउड रहेगा चार छोड़ना पड़ेगा चेंज तो होगा बिकॉज दिस इज कंपनी इट इज एलिजिबल फॉर ऑल सेवन तो इसको पांच छोड़ना है जो पांचवा इसको एलिजिबल रहता है वो भी छोड़ना पड़ेगा विच इज थर्टी फाइव टू ए बी वो भी हमने लिखा हुआ है थर्टी फाइव टू ए बी इज फॉर कंपनीज शॉर्ट में आई विल कंक्लूड साइंटिफिक रिसर्च के सेक्शन के साथ में से ये जो दो है ना ये न्यू रेजिम में सब एस एस को मिलता है बी डबल सब में मिलते हैं एंड एनीथिंग अदर देन दिस कंपनी के लिए पांच नॉट एप्लीकेबल एंड अदर्स के लिए चार नॉट एप्लीकेबल क्योंकि पांचवा तो उनको वैसे भी अप्लाई नहीं करता ऑब्वियसली ऑल डोंट है क्या आता है सबसे टू में क्या आता है Subsection

प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर हॉस्पिटल ऑफ मिनिमम हंड्रेड बेड्स होटल ऑफ टू स्टार और ऐसी लिस्ट लिस्ट पड़ी हुई कहीं पर याद आती है यू मे नॉट द डिटेल ऐसे गवर्नमेंट आपको हाथ जोड़ के क्या बोल रही है कम एंड इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस क्योंकि देश को इनकी जरूरत है शॉर्टेज है वेयर हाउसिंग का शॉर्टेज चल रहा है इंडिया में या फर्टिलाइजर्स का शॉर्टेज चल रहा है तो प्लीज इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस सर हमको क्या मिलेगा वी विल गिव यू लिसन टू द वर्ड्स

बट this this अभी कल क्या बी एस सी में भी आई एफ एस सी था लेकिन आई कुड सी द टाइम और मुझे पता था कि अभी मैं आई एफ एस सी सिखाने बैठूंगा ना पांच मिनट लगेगा और तुम लोग सुनोगे नहीं सुनोगे निकालोगे दिमाग में यही चल रहा है सर मला सा मलासा है सर मला सा मलासा है भले क्लास के बाद में आप आधा घंटा बैठ के दोस्तों से क्लास में बैठ बैठ के बातें करते हो वो चलता है लेकिन मैं दस बजे छोड़ू वो रूल है तो मैंने सोचा कि छोड़ जाने दे आई के बारे में अभी नहीं बताता हूं कल बी करूंगा तो बी में भी आईएफएससी आएगा कल बताया होता तो आज नहीं बताता और कल नहीं बताया तो आज बता रहा हूं कहीं ना कहीं बताना है एटीएलए का कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज Center, क्या होता है आईएफएससी इज डिफाइंड इन कॉल्ड स्पेशल जोन्स एक्ट देखा मेरा वाला, नहीं? मेरा वाला देखा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई बात नहीं तीस सेकंड का ही है वैसे देखना है तो आज आज भी देख सकते हो मैं अभी प्ले करके दिखाऊंगा तो वो गड़बड़ होएगा टाइम वेस्ट होएगा खाली पोखट सपोजिंगली दिस इज इंडिया अच्छे से गुजरात सपोजिंगली दिस इंडिया तो यह पर्टिकुलर प्लेस कहां पर है अरे इंडिया में मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं पूछ रहा हूं इंडिया के अंदर है यह इंडिया है यह इंडिया के अंदर है यार काली वो होकर सुबह सुबह यह इंडिया है यह प्लेस इंडिया में है दिस प्लेस शुड अट्रैक्ट ऑल लीगल एंड टैक्सेशन प्रोविजन ऑफ द कंट्री लेकिन कोई ज्योग्राफिकल जोन होते हैं जिसको गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है इंडस्ट्री वहां पे अट्रैक्ट करना चाहती है एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है तो गवर्नमेंट बोलती है आंख बंद करके इमेजिन करो कि ये जगह इंडिया में है। नहीं है वो, वो जयकांत बोला बोला था वो उसको बोला था डीजीपी सर तो है ही नहीं आई ट्राई टू रिलेट थिंग्स इन टेक्सेशन विद लाइफ और बॉलीवुड तो क्या याद रह जाता है फटाफट तो डीजीपी सर तो है ही नहीं बैठा है ना उधर लेकिन इमेजिन करने का क्या वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है इंडिया में है बट यू हैव टू इमेजिन इंडिया में नहीं है इंटर के बच्चे होते हैं ना तो उनके साथ ऐसे टाइम पास करना पड़ता है क्योंकि उनको एकदम सिंसियरली सिंसियरली और सीरियसली तीन घंटे तक चार घंटे तक पढ़ेंगे ना तो उसको ऐसा लगेगा कि कैसा टीचर यार बहुत स्ट्रिक्ट है और वो ऐसा ऐसा नाम खराब होगा तो उनके साथ थोड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक और एक्टिंग और वो सब ज्यादा करना पड़ता है फाइनल में एवरी मिनट इज प्रेशियस एंड यू ऑल विल नॉट अप्रिशिएट ऑल्सो अगर ज्यादा वो सब चीज़ का डिस्कशन किया तो पॉइंट खाली समझना है कि एक स्पेशल जोन जो इंडिया में है लेकिन उसको इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है बहुत सारी चीजों से वी हैव अ चैप्टर जिसमें बोला है कि एसीजेड में बिजनेस करने वाले लोगों को पंद्रह साल का टैक्स हॉलीडे मिलेगा डिवाइडेड इंटू थ्री स्लॉट ऑफ फाइव ईच पहले पांच साल का डिडक्शन होएगा, अगले पांच साल का थोड़ा कम होएगा और तीसरे पांच साल का और कम होगा लाइकवाइज अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ोगे जीएसटी में भी अगर आप एसीजेड में काम करते हो तो जीएसटी नहीं लगता है किसी जमाने में इंडिया में सर्विस टैक्स होता था ये सेल्स टैक्स होता था तो वो भी ऐसी नहीं लगता था मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ प्लेस वेर वी ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम सर्टन टैक्सेस इतना सिंपल मीनिंग अब ये कॉन्सेप्ट हम खींच के लेके जाएंगे स्टॉक मार्केट्स में अ स्टॉक मार्केट कॉल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैं खाली आईएफएससी का मीनिंग सिखा रहा हूं आई एम नॉट टीचिंग यू एटीएल एक स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल यू ऑल नो स्टॉक मार्केट्स लोग अपना पैसा उड़ाने के लिए आते हो वही जगह ज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वेर आर दे इन इंडिया तो विल दे बी सब्जेक्टेड टू इंडियन लॉस एंड हमारी गवर्नमेंट हाथ जोड़ के फॉरिन एंटरप्राइजेस को बोल रही है सुनो ना तुम्हारे कंपनी को तुम्हारे फॉर्म्स को तुम्हारे एल एल पी को हमारे इंडिया में लिस्टिंग करवाओ ना प्लीज ताकि इंडियन मार्केट्स में भी तुम्हारे कंपनी की ट्रेडिंग हो प्लीज प्लीज करवाओ ना प्लीज हमको तो जो लोग इंडियंस ट्रेडिंग करेंगे उनसे टैक्स लेना है तुम लिस्टिंग कराओ ना प्लीज फॉरेन कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया में लिस्ट होने के लिए इंडिया में अगर आपको कंपनी को लिस्ट करवाना है लिस्टेड कंपनी क्रिएट करना है तो रेगुलेशंस, फॉरेन करेंसी आता है तो फेमा का एक्ट

जो लिखा है वो सही लिखा है यू डिसाइड वेदर इट इज राइट और साइन मतलब वो वो साइन फाइनल है जो लिखा है वो राइट right है मोदी जी ने बोला था मैं किसी पेपर पे साइन करके उसको राइट right प्रूव नहीं कर सकता हूं आप कर सकते हो पता है कि नहीं उन्होंने बोला था तो अब ये फॉरेन फॉर्म इंडिया में लिस्ट होने से इंटरेस्टेड ही नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट बोलते हैं लिसन एक आइडिया देते हैं एक नया स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं कहां पे इंडिया में ही बनाएंगे ना यार लेकिन वो स्पेशल होगा होगा इंडिया में लेकिन बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, लॉज टैक्सेस से इम्यूनिटी ग्रांट करेंगे एंड दैट स्पेशल स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज फिजिकली इन इंडिया बट ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम अ लॉट ऑफ लीगल प्रोविजन विल बी कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आई तुम्हारा बैंक वाला आई नहीं हरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज

बट आप लोगों ने तो नहीं किया ना आपको तो वो इम्यूनिटी है ना करना अच्छा आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हो वो वाली कैटेगरी में एग्जाम के पहले ही आपको करना पड़ेगा मतलब अगले एक साल में आपको ये दो सब्जेक्ट पढ़ने ही है ऑनलाइन ही पढ़ने हैं कंपनी लॉ के बिना आप सीए का कुछ नहीं कर सकते काम वैसे भी नहीं कर सकते उल्टा रख लेना चाहिए ये बात बताओ पूरा साल पढ़ने से तो बेटर है सर एक दिन पढ़ के एग्जाम दे के आ जाएंगे तीन घंटे की वो बेटर है दो पेपर निकाल के क्या कर लोगे तुम एंड मोर इंपॉर्टेंटली जिसको लगता है कि सर आर्टिकल शिप, सर अभी दो साल का हो जाएगा तो फाइनल जल्दी हो जाएगा इसमें और गेम खेला गया है इंटर का रिजल्ट जुलाई में आएगा तुम फर्स्ट ऑगस्ट को आर्टिकलशिप चालू करोगे तो दो साल बाद फर्स्ट ऑगस्ट को कंप्लीट होएगा तो नवंबर थोड़ी दे पाएगा छह महीने का गैप चाहिए ना तो छह महीना कंप्लीट होएगा फेब में तो फेब में तुम्हारे लिए एग्जाम रखेगा नहीं डेट चेंज करो सर मेरा छह महीना खत्म हो गया अभी रखो नहीं देना तो आपको मे में ही पड़ेगा ना तो एनी तो वेज तीन साल बाद वाले मे में तो इंटर वाले वैसे भी होते थे एग्जैक्ट तीन साल बाद जो अटेम्प्ट होता है वही गैप होता है ना इंटर और फाइनल का तो वैसे भी था बस ये रिलैक्सिंग बात है कि वो मामला दो साल पहले कंप्लीट हो गया तो छह महीना प्लस दो एडिशनल आफ्टर दोनल सिक्स एंड बिफोर एलिजिबल अटेम्प्ट इज एन ऑसम टाइम फॉर स्टडी आज की डेट में तुम 10 बजे अपने दिमाग के बटन बंद कर देते हो क्योंकि गलती आपका नहीं है ना सवा दस का साढ़े दस हुआ उधर जल्लाद बैठा है जान खाने के लिए प्रॉब्लम उसकी है आप समझ रहे हो कि नहीं आपके दिमाग में वो घंटी बचती है इसके लिए पंद्रह मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकते क्योंकि यू आर जगलिंग विद मल्टीपल थिंग्स वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीए स्टूडेंट के करियर की सॉल्व हो जाएगी बिकॉज एट वन टाइम यू टू फोकस ऑन वन थिंग जब आर्टिकल शिप करो तो उसमें ही करो वीकेंड में अपने ऑनलाइन मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं तो कर लो इतना टाइम तो मिल ही जाएगा वीकेंड में और बाद में ये जो आठ नौ महीना मिलेगा इसके अंदर यू कैन डू योर परफेक्ट प्लानिंग एंड गिव योर अटेम्प्ट एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना विल बिकम फार देन इट इज बिकॉज आज की डेट में में तो छुट्टी आते 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 एक्सटेंशन लास्ट में चार महीना ही छुट्टी मिलता है उसमें पहली बार भी पढ़ना है रिविजन भी करना है मॉक भी देना है अल्टीमेटली स्टूडेंट बोलता है सर अभी इतना तो नहीं हो पाएगा जितना हो गया उतना करके आता हूं। कोई कोई अटेम्प्ट अटैम्पोस्टपोन करता है कोई कोई बोलता है सर वन ग्रुप वन एग्जामेशन एग्जामेशन सोचने से ही आ आता ना तो आठों में सोचो ना सर आई विल गिव दिस पेपर फॉर एक्साम्स अरे हलवा है क्या हाउ कैन यू जस्ट थिंक कैन गेट और उस अटैम्प्ट में वो पेपर डिफिकल्ट निकला जिसमें मास्कोरिंग नहीं हुआ तो तुम क्या कर लेगा इससे अच्छा तो जो ग्रुप पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो उसमें जरा भी स्कोप नहीं छोड़ो ऑल दो प्रॉब्लम ऑल दो तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हमारी गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया

हु इज दीफ अभी महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स जो सर्कस है ना अभी हम डिस्कस करें हु इज द चीफ मिनिस्टर हम क्लास के बाहर जाएंगे अमेंडमेंट आ सकते okay? कभी भी कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स बिकम सर्कस तो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि इंडिया का जो पहला आई एफ खुले वो बीकेसी में मुंबई में खुले बहुत उन्होंने हाथ पैर मारे पहला आई इंडिया का यहाँ पे होना चाहिए बट मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं ट्राई भी नहीं करता क्योंकि मेरे को पहले से मालूम है मुंबई में नहीं होगा वो कुछ भी नया होएगा वो वो गुजरात में ही होने वाला है एंड वो मेहनत मेहनत करके जो जिस का फल नहीं मिलता वो करके क्या मतलब है ऐसा थोड़ी ज्यादा मेहनत करो तो फल पक्का मिलेगा पता है नहीं मिलने वाला है वो तो गुजरात में ही जाने वाला है और गया गांधीनगर गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर समथिंग लाइक दैट दे कॉल इट

IFC के बारे में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हल्का फुल्का टैक्स बेनिफिट आते रहेगा आप समझा क्या फॉर दैट आर वी वंस एंड फॉर गुड सॉर्टेड अबाउट द मीनिंग ऑफ आईएफएससी सर आईएफएससी क्या होता है स्पेशल स्टॉक एक्सचेंज जिसको इम्यूनिटी मिलेगा भले वो इंडिया में सेम एज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए भी उसको उस के अंदर किया सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अलाउड और क्या आपको लास्ट पॉइंट याद है का कि ये जो जो डिडक्शन छोड़ रहे हो

यू हैव द टेक्स बुक यू कैन गो थ्रू दट कैन सी पेज नंबर छह पे एंड इसके बाद में वन वन फाइव बी डबल कितना छोटा सेक्शन है क्योंकि कंडीशन बहुत कम है रेसिडेंट कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी और रेट दिया है ट्वेंटी टू प्लस टेन प्लस फोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिस्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट टू बी फोर वन ये वाला पॉइंट भी सेम है ऑप्शन वन एक्सरसाइज एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज एंड यू हैव टू द ऑप्शन बिफोर द ड्यू डेट हमने ये लिख भी दिया है सिर्फ एक ही पॉइंट है जो हमने लिखा नहीं है

सो एट द एंड ऑफ द डे साइंटिफिक रिसर्च वाले सेक्शन के दो डिडक्शन न्यू रेजिम के अंदर मिलेंगे बाकी के सब इज एप्लीकेबल वेदर फोर फाइव थर्टी फाइव एडी वही आपके फोर्टीन स्पेसिफाइड बिजनेस ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन था बी बीएसी में भी लिखा था बी एडी में भी लिखा था ये अलग है जो जो अलग है ना उसको मैं सर्कल कर लेता हूं ये आपको इधर ही मिलेगा वाई क्यू ये सिर्फ इधर क्यों लिखा है बिकॉज दिस वॉज एप्लीकेबल ओनली टू Company, तो खाली कंपनी वाले सेक्शन में में इसके बारे में लिख सकते थर्टी फाइव सी सी डी सर दिस इज ऑल्सो अलाउड ओनली सिर्फ कंपनी को मिलता है तो फिर हम लोग बीएसी में इसका थोड़ी लिख सकते हैं। किसको मिलता है कंपनी को सर ये क्या है Because we don't know only. ये क्या है? देर इज डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट बढ़ाए कभी होर्डिंग हम आपको इंग्लिश स्पीक ना सिखाएंगे स्किल डेवलपमेंट ओके देर आर ऑर्गेनाइजेशन हु टीच स्किल्स टू पीपल सपोजिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विडोज को स्विंग मशीन चलाना सिखाती है द टिल द टाइम योर चिल्ड्रन डोंट ग्रो अप यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड जिसने कोर्स पूरा किया होता है ना अच्छा सक्सेसफुली जो टॉपर्स होते हैं उसको फ्री स्विंग टू अ लाइवलीहुड सुना इसके बारे में क्या लेबर कॉस्टिंग में कभी यह सीखा है स्किल्ड वर्कर होते हैं अनस्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का रेट हमेशा कम होता है स्किल्ड वर्कर से क्योंकि उनके पास कोई ऐसे मैं तो बोलता हूँ आपको समझ लो टेली का ही नॉलेज है तो आपको अकाउंटेंट का नौकरी मिलेगा इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ यूजिंग द सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो हैज टू दैट स्किल टू यू विच एवर ऑर्गेनाइजेशन टेक्स रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट ऐसे सब नहीं नहीं तो मैं भी बोलेगा मैं भी स्किल ही तो दे रहा है कैसे डीजीपी सर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझने का ये भी तो एक कला है

बी डबल ए में लिख सकते हैं ना बाकी सब में नहीं लिख सकते बिकॉज़ जो कंपनी को लगता है उसी में विल से ना बी ए बी में भी लिखेंगे अंडरस्टूड और नो चैप्टर डिडक्शन विद एक्सेप्शन इसलिए खाली कंपनी वाले सेक्शन में लिखा है सो वॉट एवर इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू ये आपको दूसरे सेक्शन में नहीं मिलेगा सर एटीएम क्या होता है कोई कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांटती है क्योंकि कैश नहीं होता है उनके पास दे वॉन्ट टू गिव इंटेंशन बहुत क्लियर है लेकिन कैश चाहिए ना डिविडेंड देने के लिए बट अब इस कंपनी के साथ क्या हुआ इसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था इन अनदर कंपनी का शेयर्स और यूनिट्स वहां से इसको डिविडेंड मिला तो कंपनी सोचती चलो कैश आया है क्या करेंगे रख के हमको तो बांटना ही था सो डिविडेंड रिसीव्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस कंपनी आप समझा प्रोसेस

Calculate tax of the company as per new regime पूछा तो आप एटी डबल ज डबल ए भी देगा आप एटी एम भी देगा आप समझा क्या ऑल ऑफ योर ओके तो दिस आर दी टैक्स बेनिफिट्स दैट हैव टू बी फॉरगोइंग इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल खाली जो माइनर माइनर डिफरेंसेस है सर्टन प्रोविजंस दैट आर एप्लीकेबल ओनली टू कंपनीज ओके वो आपके वन वन फाइव बी डबल ए के अंदर है बाकी वन वन फाइव बी डबल एन वन वन फाइव बी एम है और कंडीशन के नाम पे आप देखोगे तो कुछ है ही नहीं डोमेस्टिक रेसिडेंट ड्यू डेट के पहले बोलना है एक बार लिया तो नहीं छोड़ सकता वेरी वेरी बेसिक एवरी वन कैन टेक दिस इन फैक्ट जब ये सेक्शन आए उस टाइम लोग कंफ्यूज थे यार ओल्ड में जाओ कि न्यू में जाओ पहली बार आया था दो हजार उन्नीस में आया था बी डबल ए फिर बीस में बी एडी आया लोग कंफ्यूज थे ओल्ड में जाओ कि न्यू में जाओ हमारी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला और बोला सुनो जिसको जिसको ये सारे टैक्स बेनिफिट नहीं है उसके लिए तो न्यू इज बेटर बिकॉज इन एनी केस यू आर नॉट एलिजिबल आप न्यू ले लो लेट अस अज्यूम दैट यू हैव सम ऑफ मे बी यू हैव एडिशनल डेप्रिसिएशन और यू हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा कुछ है तो फिलहाल ओल्ड में रहो ध्यान से सुनना सर्कुलर में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया आपको समझाया आपके लिए क्या अच्छा है फिलहाल किधर रहो ओल्ड में रहो एग्जॉस्ट ऑल द डिडक्शन दैट यू आर एलिजिबल थोड़े साल तक आप एलिजिबल हो उसको खत्म करो रीच अ स्टेज वेयर योर डिडक्शन दैट आर एलिजिबल आर ओवर देन शिफ्ट टू न्यू रेज इज अवर रेकमेंडेशन एट द एंड ऑफ द डे आपको डे वन से जाना है आप जाइए एक बार न्यू में चले गए तो वापस ओल्ड में नहीं आ सकते दैट्स द फीचर ऑफ ऑल दी स्पोर्ट सेक्शन एक्सेप्ट बी एस सी Is दैट क्लियर दैट मीन क्या जो पुरानी कंपनीज और कॉपरेटिव सोसाइटी थी उसके लिए तो बहुत ही बेसिक रूल लाया खाली मेन चीज है टैक्स बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा क्लियर फिर जो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में थी वो कंपनीज को हमको प्रमोट करना है ऑलरेडी एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड एंड दैट तो उनके लिए इन्होंने बनाया सेक्शन वन वन फाइव बी ए बी करेक्ट एंड कॉपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कोई सेक्शन नहीं था तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अब इन्होंने बनाया वन वन फाइव बी एंड अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दिस इज द न्यू सेक्शन मित्रों दिस इज द न्यू सेक्शन येस और नो जो इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस है वही इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस है वॉट वन वन फाइव बी ए बी इज ऑल्सो फॉर डोमेस्टिक कंपनी एंड दिस इज फॉर वन वन फाइव बी ए बी इज फॉर डोमेस्टिक कंपनी एंड दिस इज फॉर रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पूछता हूं उसका आंसर देते जाना दीन्स इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दीज टू सेक्शन सेक्शन मतलब इस एस एस सी का भी सेक्शन देखोगे और इस एस एस सी का भी ये सेक्शन देखोगे जो पूछते जाता हूं उसका आंसर देना इट मे बी स्टूपिड क्वेश्चन एज पर यू बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक बहुत बड़ी वाली नॉलेज देनी है आपको इधर मुझे ओके okay? पहला कंडीशन सेम है चलिए जो कॉमन है वो कॉमन लिखेंगे क्या हमको पता है ये दोनों चीज ऑप्शनल है और यू हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ न्यू रेजिम यू हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ न्यू रेजिम ऑन और बिफोर थर्टी नाइन वन ड्यू डेट करेक्ट तो नाउ आई एम आस्किंग यू इज द सेकेंड कंडीशन ऑल्सो सेम बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा पहला वाला कंडीशन पूरा सेम दूसरा सेम क्योंकि बाई दउट आता है सर तो फिर पूरा सबको सेम ही लिखा है तो दो दो सेक्शन क्यों किया इसलिए मैं आपको पहले लॉजिक बता दिया न्यूली इनकॉर्पोरेटेड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इन दोनों में आठ आठ परसेंट का डिफरेंस है आई होप यू है इन दोनों का टैक्स रेट कितना है ऑल इंक्लूसिव मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस सेक्शन ऑफ दिस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एट परसेंट तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कंडीशन आर मोर तो जो एडिशनल कंडीशन है वो तो हम लिखेंगे लेकिन स्टार्टिंग का ऑब्जर्व करो कंडीशन ए इज सेम बी इज सेम सी वंस टेकन फॉर एवर रिमेन इन न्यू यू कैन नेवर चेंज इी ऑल्सो सेम यस डी डी क्या था द लिस्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट टू बी फॉर गोन कॉन्ग्रेचुलेशन अभिनंदन सेम लिस्ट है सेम वेना से बी डबल ए की लिस्ट बी ए बी में है और बी एडी की लिस्ट बी एई -E में है

तो इसके लिए और भी लंबा लिस्ट ऑफ कंडीशन आने वाला है इट शुड बी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू मतलब डेट्स दिया है और लिस्ट ऑफ कंडीशन दिया है कि आप ये कर सकते हो यह नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते हो वैसा नहीं, नहीं बहुत लंबा लिस्ट दिया है यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ 17.16 पॉइंट वन सिक्स दैट इज सेविंग्स ऑफ एडिशनल एट परसेंट ओनली वेन यू फुलफिल ऑल द कंडीशन जो इसके बाद भी लिखने वाला हो वो सब भी फुलफिल करना पड़ेगा क्या नहीं बट yes? आपको नोटिस यह करना है इसके आगे की दी हुई कंडीशंस अगर मैं फुलफिल नहीं करता हूं तो यह जो असेसी है यह जो असेसी हु इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन यार आफ्टर बट फुलफिलिंग कंडीशन एबीसीडी विल स्टिल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस रेट क्योंकि इसने नीचे वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो इस असेसी को कोई भी न्यू टैक्सेशन रेजिम मिलेगा हा Milega, which one? The previous one. Of course, it will enhance your tax rate by 8%, but you still get something in the new regime. Because the statement that I want you all to understand is any assessee fulfilling these conditions has already fulfilled all the conditions of the previous section. Or should I say it this way that any assessee who is eligible for these sections.

आपको क्या लगता है वॉट शुड आई डू नाउ टेल यू वॉट आर दंडीशनल एक्स्ट्रा नहीं भी किया, खाली ये चार बेसिक वाला कर दिया, तो एटलीस्ट ऊपर वाला तो आप ले सकते हो 8% ज्यादा लगेगा करेक्ट चलिए ये जो अभी अभी, अभी आपको समझा है ना एक लाइन आपको खाली अपने दिमाग में सेव करना है खाली एक लाइन ज्यादा डिटेल में मत जाओ एक लाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज फुलफिलिंग द फर्स्ट फोर कंडीशन ईयर इज एलिजिबल फॉर ऊपर वाला सेक्शन इज दैट क्लियर आगे काम आएगा आगे काम आएगा चलिए आगे चलते हैं एक तो आपको कब का बोल ही चुका हूं दैट दिस कंपनी या फिर दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी और डोमेस्टिक कंपनी और यहां पे रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोथ ऑफ देम शुड बी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंड शुड बी इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यूली इनकॉर्पोरेटेड शुड बी इन द बिजनेस ऑफ मैन्यूफेक्चरिंग मतलब फटाफट बोलो जो ट्रेडिंग के बिजनेस में है उसको न्यू टैक्सेशन रहे ऊपर वाला अगर पहला चार कंडीशन फुलफिल किया तो यही तो समझाना था यही तो समझाना था देट आई मे नॉट फुलफिल द अदर कंडीशन ईयर बट आई एम गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर ऊपर वाला अगर मैंने पहला चार कंडीशन फुलफिल कर दिया क्योंकि इधर का चार ऊपर वाले का तो टोटल है इधर का पहला चार ऊपर वाले का तो टोटल है तो अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस में हूं तो ऊपर वाले में जाना पड़ेगा इफ आई एम सर्विस प्रोवाइडर तो ऊपर वाले में जाना पड़ेगा इफ आई एम ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो भी ऊपर वाले में जाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यू नाउ द क्वेश्चन इज सर वॉट डू यू मीन बाय न्यू न्यू मींस एनी कंपनी दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड और आफ्टर फर्स्ट ऑक्टोबर टू थाउजेंड 2019 क्योंकि कंपनी वाला जो 115 वन फाइव बी ए बी है ना बाब, बाब, वो 2019 में लाई थी आंटी पहली बार आई थी ना 2019 में तीन बजट आए थे पीयूष गोयल सर ने इंटरिम बजट दिया लॉलीपॉप बिफोर इलेक्शन आंटी ने पांच जुलाई को एक बजट दिया कल ही उनका एनिवर्सरी था पांच जुलाई को बजट दिया आंटी ने इज़ द एक्चुअल बजट ऑफ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर फिर 20 सितंबर, दो महीने बाद आंटी बोलते आई वॉन्ट टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस मुझे लगता है कि मेरे बजट वाले दिन कुछ कुछ छूट गया तो उन्होंने ऑर्डिनेंस में ये लाया था न्यू टैक्सेशन रेजिम एप्लीकेबल टू कंपनी आज के बाद कोई भी नया कंपनी आता है मैन्यूफेक्चरिंग में मतलब जो पहले से है वो इधर नहीं आएगा और उसको कोई भी न्यू रेजीम है ऊपर है, है, वाला है आज के बाद जो नया कंपनी आएगा विल कम बिलकम वो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में करेक्ट सो बी ए के लिए इनकॉरपोरेशन का डेट ये दिया एंड बी ए प्लीज अंडरस्टैंड इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दिस बजट तो इसके लिए उन्होंने बोला इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री आप समझे जो डिफरेंस है वो respectively उनके नीचे नीचे लिख रहा हूं और जो कॉमन है वो दोनों के बीच में लिख रहा हूं सो कैन आई से इनकॉर्पोरेशन डेट दोनों सेक्शन में अलग है बट ये चीज कॉमन है कि बहुत न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है एंड दोनों को कौन से बिजनेस में होना, होना पड़ेगा दिस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैज टू स्टार्ट अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर मतलब ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ था दो हजार उन्नीस के बाद एंड स्टार्ट मैन्यक्चरिंग अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर ये अभी इनकॉर्पोरेट होगा एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च देखो आप कंपनी इनकॉपोरेट करते किया, तो द प्रोडक्ट विच आई मेक वॉट इज द डिमांड इन दार्केट वेदर द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द मार्केट रिसर्च करोगे चलो तुमको टाइम दिया कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने का लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहां तक स्टार्ट करने जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज जब ये सेक्शन आया ना तो बोला था स्टार्ट मैनुफेक्चरिंग अपर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फिर कोविड आया तो बोला एक साल ट्वेंटी मिला 23. इस बार वापस बोला चलो ट्वेंटी फोर और ये भी अभी भी ट्वेंटी फोर लिखा है ये तो सेक्शन ही अभी आया ट्वेंटी फोर लिखा है मेरे को इधर तक विश्वास है कि ये आगे भी एक्सटेंड होते रहने वाला है अभी के लिए यू शुड लर्न दिस एस दंपनी ऑफ दोसाइटी

तुम नया है क्या तुम नया है क्या आर यू न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हैव यू जस्ट बीन क्रिएटेड तो व्हेन यू आर जस्ट क्रिएटेड आर यू गोइंग टू फाइल योर फर्स्ट रिटर्न नाउ जस्ट क्रिएट अब आपका पहला रिटर्न फाइल करोगे तो इन्होंने इन दोनों सेक्शन में पहले वाले में और जो अभी आया उसमें दोनों में लिखा है दैट यू हैव टू डू इट बिफोर योर फर्स्ट आर ओ आई इम्पैक्ट ईयर और ये वही स्टूडेंट समझेंगे जो पिछले दस मिनट से मेरी बातें समझ रहे हैं ओके जस्ट आंसर वो टाइम इन दीज टू सेक्शन इज दर्गेनाइजेशन एन न्यू ऑर्गेनाइजेशन अभी अभी क्रिएट हुई है अभी क्रिएट हुई है तो फाइनेंशियल ईयर तो चलेगा फिर असेसमेंट इिटर्न फाइल होगा वो तुम्हारा पहला रिटर्न है करेक्ट वहां पर तुम बोलो मेरे को न्यू चाहिए तुमने न्यू बोला तो जिंदगी भर न्यू वो तो हमको पहले से मालूम है समझ लो वहां पे तुमने नहीं बोला return, कि न्यू बिफोर योर फर्स्ट रिटर्न यू डू नॉट डिसाइड कि आई वांट टू कम हियर आपका थोड़ा डिसीजन मेकिंग लेट हो गया मैं तो बोलता हूं रिटर्न ही लेट हो गया तुमको ये दोनों सेक्शन नहीं मिलेगा दिस ऑप्शन दिस ऑप्शन ये सेक्शन का ये सेक्शन का वेदर कंपनी और कॉपरेटिव सोसाइटी दिस न्यू रेजिम हैज टू बी टेकन इन द फर्स्ट रिटर्न क्योंकि तुम नया है ना नए लोगों के लिए बनाया ना तुम्हारे पहले रिटर्न में बोलो नया चाहिए यू हैव टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन इन द फर्स्ट रिटर्न आप समझे ऊपर वाले में क्या लिखा था एक्सरसाइज बिफोर दी ऊपर वाले में ऐसा लिखना ही पड़ेगा ना क्योंकि वो तो सौ साल पुराना कंपनी भी हो सकता है तो फर्स्ट रिटर्न कैसे लिखेगा टाइम मशीन आएगा पीछे जाएगा सौ साल एन ओल्ड कंपनी तो देर लेकिन, so, लेकिन इससे क्या क्या बातें निकल के आएगी ऊपर वाली जो पुरानी और सोसाइटीज है उनको पहली रिटर्न में बोलना है क्या नहीं उनके ऊपर अभी काफी डिसाइड करने का प्रेशर है क्या नहीं तो दे कैन चूज टू रिमेन इन ओल्ड 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 थोड़े साल बाद मन हुआ सीबीडी ने तो सर्कुलर में रिकमेंडेशन भी दिया था क्या थोड़े साल बाद मन हुआ तो बाद में जाओ थोड़े साल बाद न्यू में जा सकते हैं क्या इज इट मैंडेटरी फॉर देम टू गो राइट नाउ नहीं कैन दे गो आफ्टर फ्यू फ्यूर्स यस और एक बार चले गए तो न्यू में ही रहेंगे ऊपर वाला स्टोरी ओवर कम टू दिस स्टोरी यू आर न्यूली क्रिएटेड यू आर गोइंग टू फाइल योर फर्स्ट रिटर्न इन फर्स्ट रिटर्न आप 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 एक आप एक काम करो आप बताओ इसने ओल्ड लिया के न्यू लिया एक कोई चीज लो जो डिसाइड करना है फर्स्ट में ही डिसाइड करना है बोलो ओल्ड के न्यू न्यू लिया तो न्यू लेते ही क्या होता है वो तो आपको पता है लाइफ टाइम न्यू वंस टेकन कैन नॉट चेंज वो तो ऊपर भी लगता था समझ लो कि आपने पहले रिटर्न में ओल्ड लिया अब ये सेक्शन नहीं मिलेगा यू विल स्टे इन एक मिनट आप ये समझे कि चारों सेक्शन में न्यू में जाके यू कांट कम टू ओल्ड लेकिन इन दोनों सेक्शन में पहले रिटर्न में अगर आप ओल्ड में रह गए ना तो यू डोंट क्वेश्चन है सपोजिंगली इन द फर्स्ट रिटर्न आई टेक ओल्ड मतलब आई है तो अब क्या मुझे ये दोनों सेक्शन मिलेंगे नहीं आई हैव टेकन ओल्ड द फर्स्ट रिटर्न दैट मीन फर्स्ट रिटर्न में मैंने option exercise नहीं किया, तो अब मुझे ये दोनों सेक्शन नहीं तो अब मुझे कोई न्यू टेक्स मतलब मैं कंक्लूड ये बोल के करूंगा आठ परसेंट बचाने का क्या अभी बोल, अभी बोलेगा न्यू तो सेवनटीन पॉइंट वन सिक्स थोड़े साल बाद न्यू का मन हुआ न्यू मिलेगा बट ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट वाला मिलेगा <laughs> न्यू मिलेगा बट ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैमर फर्स्ट द पॉइंट दैट जो इधर आता है पहली बात तो ऊपर का कंडीशन भी हो गया दिस इज बेटर बट ओनली इफ यू डिसाइड इन द फर्स्ट रिटर्न मतलब फाइनल कंक्लूजन चारों केस में अगर आप न्यू में चले गए तब तो लाइफ टाइम न्यू पहले दो केस में फ्यू इयर्स इन ओल्ड एंड देन यू कैन गो इन न्यू ये वाले केस में फर्स्ट ईयर में भी अगर ओल्ड रहा तो ये वाला न्यू नहीं मिलेगा लेकिन ऊपर वाला न्यू ले सकते बिकॉज अदर कंडीशन इन योर फर्स्ट रिटर्न एंड फॉर नाउ यू वॉन्ट टू स्टे इन द ओल्ड रेजिम बिकॉज यू वॉन्ट टू अवेल योर एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड ऑल तो फॉर नाउ यू कैन स्टे इन ओल्ड रेजिम यू कैन स्विच आफ्टर अ फ्यू इस वन स्विच देन कांट कम बैक दैट वी आर अवे you can switch after but come on conclude this so that i understand that you are following what i am saying but you can go only in the first two sections not these two sections understood everyone kya kya bhari bhari kaam kiya pura mahol banana padta hai pehle wo kya hai ye kya hai wo char yahan pe bhi char hai Finally इसकी condition, पहले ये वाली जगह छोड़नी पड़ी क्योंकि बाद में लिखना था पूरा माहौल बना के जब point पे आए तो point समझ गया तो खत्म नहीं हुआ है अभी तो बहुत है. मामला शेल भी कंटिन्यू विदर कंडीशन प्राइमरीली जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया पहला चार कंडीशन तो सेम था ओनली डिफरेंस बी यहाँ पे पहले रिटर्न में बोलना है बाद में भी बोल सकते हो और यहां पे भी अगर बाद में मन हुआ तो ऊपर वाले में चले जाओ देस आर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेशन डेट क्लियर कब तक काम चालू करना है that is clear. आगे चलेंगे। ये दोनों है, बस। यू शुड बी इन ओनली मैन्युफैक्चरिंग वैसे आर यू इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो तो पहला प्राइमरी क्राइटेरिया था आपको इधर आने के लिए ये तो बोला ही था पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में होना तो पड़ेगा बट उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट बी जस्ट वन ऑफ दी एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग दूसरा कोई भी बिजनेस हाँ तुम सीए लोग तुम्हारा दिमाग चला ले हो मेरे को मालूम है दूसरा बिजनेस करने का मन है दूसरा कंपनी इनकॉर्पोरेट कर वो बी डबल ए में जाएगा भले वो नया है तो भी बी डबल ए में जाएगा एटलीस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉफिट्स है वो यहां पे आ सकते हैं इफ यू इनकॉर्पोरेट अ सेपरेट कंपनी ऑफ कोर्स ओके दे वांट टू मेक ओनली मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट्स एलिजिबल फॉर दिस क्लियर है ओनली मैन्युफैक्चरिंग नो अदर बिजनेस देन नेक्स्ट फॉलोइंग बिजनेसेस इन एलिजिबल मित्रों आपको इतना समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने ये पॉइंट एफ लिखा यहां से यहां तक लिखा तो दिस इज फॉर बी ए डी के बी ए सॉरी बी ए बी के बी ए ये दोनों है अगर जो भी डिफरेंट है ना तो इसका इसके नीचे इसका इसके नीचे इनकॉर्पोरेशन डेट दोनों का अलग है तो नीचे ये कंपनी ये है और ये सोसाइटी है तो ये बट ज्यादातर सेम ही है हार्डली दो चार ही डिफरेंस है मोस्ट ऑफ इट इज सेम ओके फॉलोइंग बिजनेस इन एलिजिबल मतलब ये जो नीचे दिए हुए बिजनेस है आपकी नजर में मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं यू में थिंक और ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग इन बिजनेसिस में अगर आपको न्यू टैक्सेशन रेजिम चाहिए तो आपके लिए कोई न्यू टैक्सेशन रेजिम हर बात का एक ही आंसर है क्योंकि इफ यू नाउ गो एंड ऑब्जर्व ऊपर वाला दो सेक्शन वो कितने शरीफ थे ना

अपना जो टेक्स्ट बुक आपको दिया उसमें भी लिस्ट तो दिया ही है सेम लिस्ट इज गिवन ओके तो सर व्हाट इज द डिफरेंस इन दी हैंड रिटन बुक एक उसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी है मेरी हैंड राइटिंग से तो लाख गुना अच्छी है और इस लिस्ट के बाजू में खाली एक आदमी का फोटो है पहली फुर्सत में निकल यू नो हु इज दैट गाय हिंदुस्तानी भाव यू you नो know? उसका फोटो है दिस कंपनी निकल अंडरस्टूड बिकॉज यू आर

कल की डेट पे तो मैं भी बोलेगा मैं सीए बनाता हूं मैन्युफैक्चर है नहीं आप समझा क्या दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट द बिजनेस ऑफ माइनिंग माइनिंग मतलब एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का गोल्ड माइनिंग कोल माइनिंग यू आर डूइंग एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्वालीफाइड फॉर दीज टू मतलब सेवनटीन नहीं मिलेगा आई एम सेइंग दिस किसी किसी के दिमाग में ये नहीं बैठ जा सर मतलब इन लोगों को कोई न्यूरेज नहीं मिलता मिलता है ऊपर वाला मिलता है दिस सेवेंटीन पॉइंट वन सिक्स इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस बिजनेस नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इंटू स्लैब्स हेलो हेलो कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इंटू स्लैब्स और ये जैसलमेर जाओ या राजस्थान में एक प्लेस है और मकराना उधर जाओ उधर नेचुरल रिसोर्सेज में मार्बल निकलता है। ग्रेनाइट निकलता है है ग्रेनाइट उधर जमीन से तो जैसा जमीन से निकला वैसा घर पे लाके चिपका नहीं देने का फेविकॉल से अरे तुम्हारे घर के साइज के हिसाब से तुम कट करोगे ना तुम बाथरूम में टाइल लगवाता है तो शॉपकीपर को क्या बोलता है कि भाई दो बाई दो का टाइल दे एक बाई एक का टाइल दे के उससे एक बड़ा सा शीट लाता है चिपका दे ऐसे फेविकॉल लगा नहीं ना कैन आई से द बिग ब्लॉक्स आर कन्वर्टेड इन टू रिक्वायर्ड स्लैब्स सर आप बोलेगा ये तो खाली कटिंग है वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है लेकिन एस एस का सोच क्या बताया इनपुट प्रोसेस आउटपुट इनपुट वॉज दिग ब्लॉक प्रोसेस इज कटिंग एंड आउटपुट का आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इनपुट तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया लेकिन नहीं हुआ एस पर गवर्नमेंट फॉर दीज टू सेक्शन इज दैट क्लियर नेक्स्ट बॉटलिंग ऑफ गैस इंटू सिलेंडर आता है घर पे आपका भारत गैस एचपी का टंकी नहीं आता है पाइप गैस है बड़े लोग ब्रो हम मारवाड़ी लोग हैं दो टंकी घर में रखते हैं एक गैस से कनेक्टेड रहता है एक भरा हुआ रहता है तो जो खाली होता है तो दूसरा टंकी लगाते हैं और फिर कॉल करके बुक करते हैं आजकल कर ऑनलाइन भी बुक होता है वो आता है भरा हुआ टंकी लेके आता है खाली टंकी वापस लेके जाता है सो वी हैव टू पे ओनली फॉर द गैस एंड सपोजिंगली अपना टंकी खाली हो गया और अब तक नया वाला आया नहीं है तो फिर ये सी वी हैव गॉट वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद ने विथ माई नेबर एंड वाइफ एकदम एकदम अपना ही समझता हूँ उनको उसको उसकी तो बहुत कॉर्डियल रिलेशन है हमारा आपस में तो तो हम लोग एक दूसरे से गैस एक्सचेंज करते हैं ये गैस जो है ना जब वो सिलेंडर से बाहर निकलता है तब तो वो गैस होता है अंदर लिक्विड होता है इसलिए उसको एलपीजी बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सो दैट वे इफ यू सी आउटपुट एंड इनपुट आर डिफरेंट नो मगर ये मैन्युफैक्चरिंग

मिलेगा ले ले लेकिन ये नहीं मिलेगा ये हम स्पेसिफिकली लिख रहे पहले ही बोल देते बाद में मगजमारी नॉट बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग फॉर दिस एक्टिविटी इट कैन बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग एज पर कोर्ट जजमेंट फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन लेकिन ये वाली एक्टिविटी के लिए नहीं माना जाएगा आप समझा पॉइंट नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स तो करण जोर बोलता है बोला क्या बनाता वॉट डू यू प्रोड्यूस बोला प्रोड्यूस जब तक देश में सिनेमा है लोग पागल बनते रहेंगे नहीं पता तो, तो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म दैट वे आप देखोगे तो आप कुछ बना ही रहे हो ना और फिल्म वाले तो क्या बनाते हैं हमको सबको मालूम ही है, है इन एनी केस तो

तो छह बिजनेस लिखा है अब एक दिन आंटी का मन हुआ कि नहीं नहीं यार मेरे को तो यह पर्टिकुलर फर्नीचर में जो खिल्ला मारता है वो भी डिस्कॉलीफाई करना इन केस उनका मन, आंटी है उनका रोज लॉ में चेंज करने का मन करता है हॉबी है उनका अगर उनका मन हुआ दैट फर्नीचर को डिस्कॉलीफाई करना है तो उनको बजट का वेट करना पड़ेगा बजट में सिविल से दैट इन दिस लिस्ट आई एम एडिंग वन मोर इन एलिजिबल बिजनेस फर्नीचर लोकसभा से पास करवाना होगा

स मिनिस्टर एंड स्टैंड अपन दार्लियामेंट एंड में लिस्ट बनाया है यहां पर बीच में गवर्नमेंट को लगेगा कि यारिस्ट में कुछ चेंज करने का है। तो तुमको सबको किधर बुलाने बैठेगा नहीं बुला सकता है तो मैं यहाँ पे पॉइंट एड कर रहा है गिवी परमिशन लोकसभा ग्रांटेड परमिशन तो ये पॉइंट एड हो गया राज्यसभा एंड फाइनेंस एक्ट में आ गया मतलब यह पॉइंट एड हो गया इसका मतलब नाउ द पार्लियामेंट एज गिवन द गवर्नमेंट पावर के साल के बीच में अगर तुमको कुछ भी ऐड करना होता है तो तुम अपने डिस्क्रिप्शन पे कर सकते हो बाई एडिंग दिस पॉइंट द पार्लियामेंट एम्पावर्ड द मिनिस्टर कोई भी चीज बिना पार्लियामेंट से नहीं हो सकती है अब उनको बिजनेस ऐड करना है तो उनको बजट का वेट नहीं करना है तो पार्लियामेंट को बोला यार जब भी मेरा मन किया मेरे को करने दो ना पार्लियामेंट बोली ठीक है तुम मिनिस्टर है कर लेना ये पॉइंट ऐड होते ही द मिनिस्ट्री गेट्स द पावर टू नोटिफाई एनीथिंग

नहीं, टीचर नहीं तो बोलता था आज क्लास के अंदर सुनना है तो बाहर चलना लेक्चर के बाद। वो ही बोला जो आपने सोचा बाद में बोलती ना हमने थोड़ी मांगा दस दिन के अंदर आराम से देती ना हमने बोला अभी चाहिए नहीं अभी ये लो लेकिन बाद में चेंज करूंगी अरे तो देरी मत ना यार सो है इंडेक्स थ्री पॉइंट आपको बोल

आईसीआई है आईसीआई 348 के हिसाब से करने का बोलता है जो भी वैसे भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जब सम का होता है तब तो वो लोग क्वेश्चन में देते ही है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपका अगर बाई चांस चेंज हो जाता है तो कैपिटल गेन में जो हमने इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया है उसमें डिवाइड बाई विच एवर वॉस परचेस मल्टीप्लाई बाय 348 करके जो कैलकुलेशन दिया है देन मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर चेंज करके अकॉर्डिंगली जो भी आंसर है वो ऑटोमेटिकली उतना चेंज करने का ओनस आपके ऊपर है या मैं तो बोलता हूं आपको चेंजेस भी नहीं करना है आप थ्री के हिसाब से सोल्व करके देख लो कि भाई मेरा राइट right आ रहा है ना बट एग्जाम में थ्री फोर्टी एट नहीं जो एक्सोल नंबर होगा उसके हिसाब से कर लेना अब ये जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है व्हाट शुड अ टीचर डू आई डोंट अंडरस्टैंड क्या करूं आज बुक दू छ महीने बाद दू छ महीने बाद भी दूंगा तो कुछ ना कुछ वापस चेंज लाना ही पड़ है

इंडिया uh, गेजेट करके एक वेबसाइट है उसके ऊपर जाओगे ना तो मिनिस्ट्री बाई मिनिस्ट्री आपको मिल जाएगा, आप डेट वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो मिनिस्ट्री वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो पावर टू का एवरी वन क्लियर सो दीज आर दिजनेसिफाइड इस पूरे स्टोरी में नोटिफिकेशन वाली स्टोरी में ये तो नहीं भूल गए कर क्या रहे बाबो, बाई, बाई नहीं, बे बाब एंड बे 17.16 पहला चार कंडीशन तो सेम था लेकिन पहला रिटर्न बाद में बोलेगा तो ऊपर वाले में जाना पड़ेगा एंड अब एक्स्ट्रा कंडीशन कर रहे हैं न्यूली इनकॉर्पोरेटेड उसका डेट देखा स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग नो अदर बिजनेस और उसमें भी ये सब तो डिस्कालीफाई रहेगा आप समझा और कंडीशन दिस बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय एंड दिस इज एप्लीकेबल अगेन टू बोथ जो भी दोनों को नहीं लगेगा मैं अपने आप नीचे डिफरेंस में लिख दूंगा नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस तुम ज्यादा दिमाग चलाता है ना तो उनको ये कंडीशन लिखना पड़ता है पढ़ा है क्या ऑफिस में आपको डाउट था बाय द एंड तो कोई स्कोप रहेगा नहीं डाउट का ओके okay? तो ठीक है आपने तो पूछा ही नहीं पूछते तो भी मैं यही बोलता कि रुको बता रहा हूं थोड़ी देर में यू आर रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी और सोसाइटी दोनों की बात कर रहा हूं बहुत सालों से बिफोर द न्यूली वाला जो डेट है तो आप ऊपर वाले में जाएगा इसमें नहीं आ सकता यस और नो आपका कंपनी आपका नाम क्या है रामानंद हां रामानंद, हाँ। रामानंद। लेट कमर प्राइवेट लिमिटेड करके आपका एक कंपनी चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कौन सा फर्स्ट स्टैंडर्ड से मतलब पिछले पंद्रह साल से पिछले पंद्रह साल से ये कंपनी चल रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रामानंद लेट कमर प्राइवेट लिमिटेड आप समझे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दीज टू सेक्शन चाहिए न्यू रेज्यूम ऊपर वाले में जा आठ परसेंट एक्स्ट्रा आइडिया रामानंद लेट कमर प्राइवेट लिमिटेड को लिक्विडेट करके वो सेम बिजनेस रामानंद ऑन टाइम प्राइवेट लिमिटेड सीए फाइनल में में आने के बाद में इतना तो लाइफ में चेंज आना चाहिए वैसे भी तो उस कंपनी को लिक्विडेट किया और रामानंद ऑन टाइम प्राइवेट लिमिटेडोरेटेड तो लुक एट दिस आठ परसेंट बचाने के लिए और आठ परसेंट हर साल बचेगा वन टाइम का खर्चा करना है। क्या करना है एग्जिस्टिंग कंपनी को लिक्विडेट करके पूरा बिजनेस नई कंपनी को ट्रांसफर करना है वन वन टाइम 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 कॉस्ट लाइफ तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है लिखा है कुछ सिर पे हमारे इतना पागल तुमने हमको है। Obviously, अगर तुमने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बंद करके उसका बिजनेस इधर ट्रांसफर किया तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड यू कैन कंटिन्यू इन ऊपर वाला सेक्शन ये वाला नहीं लगेगा इज दैट अंडरस्टूड वेरी लॉजिकल चलिए ये जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी लगेगा दैट प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू एक्चुअली छोटा पॉइंट है ना इसलिए बीच में लिख रहा हूं खाली इधर लिखता तो आपको लगता है खाली इसके नीचे इसके नीचे नहीं दोनों के नीचे समझ में आता इसलिए बीच में लिख रहा हूं न्यू प्लांट एंड मशीनरी मतलब सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर यूज किया तो नॉट अलाउड हैंड प्लांट एंड मशीनरी यूज किया नॉट अलाउड मतलब ऊपर वाले सेक्शन में जा सकते हो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऊपर वाले सेक्शन कितने प्यारे लग रहे हैं ना कि कुछ बोला ही नहीं चुपचाप एडजस्ट हो गए मित्रों यस yes? चलिए तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड होगा तो नॉट अलाउड लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते हो तो दैट विल बी ट्रीटेड एज न्यू सर सम बिजनेसेस में नॉट बी वेरी इजी मशीनरी यू माइट है इम्पोर्टेड मशीनरी होगा तो फॉरिन करेंसी और कस्टम ड्यूटी मिला के दोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी आप अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो तो स्टार्टिंग में अपने खर्चे कम रखने काोगे एज अ चार्टेड अकाउंटेंसी का फाइनल का स्टूडेंट इतना आपके अंदर सेंस होना चाहिए business, अगर आपका इनकम कम है तो द ओनली वे टू कट डाउन इज द कट डाउन ऑफ कॉस्ट तो आप फॉरेन से मशीन ला रहे हो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो कम से कम उसका कॉस्ट कम करने के लिए आप क्या करेगा वी वॉन्ट टू एनकरेज इसीलिए सेकेंड हैंड अगर इंपोर्टेड है तो इट विल बी एज गुड एज ट्रीटेड एज न्यू मशीनरी मतलब आपको खाली बोलना है अलाउड के नॉट अलाउड न्यू लोकल न्यू इंपोर्टेड सेकेंड हैंड इंपोर्टेड अरे सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड बोला ना इंपोर्टेंट है ना तो इट इज एस गुड एज एंड देर फॉर इट इज गोइंग टू बी देट मीन द ओनली थिंग दट इज नॉट अलाउड इज सेकेंड हैंड खाली ये नॉट अलाउड ये भी अलाउड ये सारे मिलकर हमको पागल बना सर हु इज य सप्लायर मेरे को भी ये वाला ट्राई करना है सर मस्त है सर यू ट्यूब येस्टर्डे इवनिंग ओनली नो बिकॉज मॉर्निंग में तो नहीं लग रहा था सर आपको देख के सर येस्टरडे इवनिंग यू ट्यूब सर मस्त है सर सुबह तक असर है क्या है? कहां से लिया सर mm -hmm. नहीं इट इज नॉट वॉट यू आर थिंकिंग सेकेंड हैंड लोकल अलाउ करेंगे विथ अ कंडीशन मतलब इंपोर्टेड अलाउड वेदर वैल्यू ऑफ सेकेंड लोकल प्लांटरी परसेंट ऑफ योर टोटल प्लांट एंड मशीनरी ये जो दो कंडीशन है ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं एग्जाम्पल पर इंपोर्टेंट ऐसा नहीं बोल रहा हूं लिसन इनका क्या पता है अब मैं ना ये वाला कंडीशन आपको नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा यहां पे विच वन ये वाला इसके आगे थोड़े टाइम बाद वी विल डू अ चैप्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब आप एसीजेड का डिडक्शन ले रहे हो सेम टू कंडीशन आर ओवर दे पीजीबीपी में जाएंगे थर्टी फाइव एडी का डिडक्शन स्पेशल बिजनेस में सेम टू कंडीशन आर ओवर दे ए आई करके एक स्टार्टअप बिजनेस है सेम टू कंडीशन आर ओवर दे बहुत सारे चैप्टर्स में ये दो कंडीशन साथ में लिखी है जहां जहां ये लिखा है वहां वहां ये लिखा है तो टुडे तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कंडीशन विद द बिकॉज ये पहली बार आ रहा है वो भी मैं पूरा न्यू टैक्सेशन रेजिम को इंट्रोडक्शन में किया इसलिए जिस जमाने में मैं जिस जमाने में मतलब लास्ट बैच तक न्यू रेजिम में खाली बी एस सी यहां पर करता था बाकी आगे जाके करता था तो पहली बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये कंडीशंस आती थी देन इन मैट का चैप्टर 115 वन बी ए बी में रिपीट हो जाती थी वेन आई डू फॉर दी फर्स्ट टाइम आई एक्सप्लेन सेकेंड टाइम आई विल टेल यू जाके खोल के देखना तुम्हारा बुक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर ओके बुक खोल के देखना या जब मैं मैट कर रहा हूं आपको याद नहीं है तब तक अगर अपना पहला सेट ऑफ बैकअप रेडी हो गया तो मेरे को तो जिस दिन रेडी हो गया उस दिन ही देना ऐसा थोड़ी नहीं बाद में दूंगा मजा आएगा रेडी होते ही मेरे को देना है आई होप यूल अंडरस्टैंड और एक और बात अब बात निकली है तो मैं आपको समझा देता हूं

टवर्क घर पर बैठे हो आपका कबड्डी आपका नेटवर्क है उस पर टेका लेके सो जाओ क्लास में यू आर इंटर यू आर कॉम्पीटिंग होता है लेकिन एक्सट्रीम रीजन जैसे आप आउटस्टेशन ऑडिट पर ही चले गए या घर में कोई बीमार है आप ये मत सोचना सर आपका मेरे पे विश्वास नहीं है क्या नहीं है अभी बोल रहा हूँ पूछना मत सर विश्वास नहीं है, नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ऑफिस आपको जूम का आई पासवर्ड दे दूंगा जिधर भी हो सुबह सात बजे आउट स्टेशन ऑडिट चालू नहीं होता चालू तो दस बजे के बाद ही होता है पढ़ के करो ना प्लीज क्योंकि हर वो चीज जो आपने आज नहीं की है वो आगे जाएगी ओके एज अ टीचर आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू द फैसिलिटीज बट यूटिलाइज तो आपको करना पड़ेगा ना यार ओके सो बैकअप तो जब होएगा तब होएगा लाइव क्लास किसी भी हालत में मिस मत करो अनलेस इट इज समथिंग एब्सोल्युटली बियॉन्ड योर कंट्रोल

आउट ऑफ हंड्रेड और टू आउट ऑफ हंड्रेड लाइक यू और वो परसेंटेज अपना बहुत कम है अपने को भी मालूम है, ओके? Okay? तो नहीं इसलिए दिन, दिन, दिन जाएगा पता चला ऑडिट पे गया था आई डोंट वांट यू टू लेक्चर क्योंकि बॉस तो आपको आगे भी भेजेगा बॉस तो आपको आगे भी भेजेगा ओके कभी कभी कोई बच्चे का एकदम एक्सट्रीम इमरजेंसी भी होता है कि सर आई एम अटेंडिंग ऑनलाइन लेकिन आई एम एट सच अ प्लेस वेर वीडियो ऑन रखना फॉर सम टाइम इज नॉट पॉसिबल अगर आपने मेरे को पहले से इन्फॉर्म किया है तो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट ऑल्सो बट ऐसा नहीं कि एवरी आप बोलो कि नहीं नहीं सर आई विल नहीं तो ऐसे भी बच्चे सी फाइनल के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि सर आई एम नॉट वेल तो कैन आई अटेंड ऑनलाइन मैं बोला ओके सर कैन आई अटेंड विद वीडियो ऑफ बिकॉज आई एम रियली अनवेल आई एम लाइंग डाउन ऑन दी बेड मैं बोला ओके okay. और गलती से कैमरा चालू हो गया तो पता चला चार लोग बैठ के लेक्चर देख देखते सर क्या आइडिया दिया यार हमने तो सोचा ही नहीं था मारवाडी ले सकता हूं ओके okay? तो इसलिए वीडियो ऑन कंपल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन के आपके पीछे बैकग्राउंड में दीवार कौन सी कलर की है के कौन शर्ट खोल के ऐसे कर रहा है आपके पीछे खड़ा होकर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एक बच्चा बैठ के मेरी बात ध्यान से सुन रहा है और बैठ के पढ़ाई करना ऐसा एक टांग पे दूसरे टांग डाल के लेट के नहीं पढ़ाई होता है ज द रीजन वीडियो ऑन इमरजेंसी में यू सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दी दो प्रोविजन दूसरे चैप्टर्स में आएंगे तब हम वापस इनको रिपीट नहीं करेंगे इसलिए ये जो टैक्स का कनेक्शन है ना ये आपको समझना पड़ेगा अब मैं ऐसी और बोलूंगा ये दोनों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया मैं थर्टी फाइव एडी करूंगा बोलूंगा इंट्रोडक्शन में कराया जिसने वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मिस किया वो हर उस ओकेशन पे ब्लैंक होकर बैठेगा

जो भी दोनों सेक्शन का डिफरेंसिस है अभी तक का कंपनी एंड सोसाइटी इन कॉर्पोरेशन का डेट इफ यू ऑब्जर्व उसके अलावा जो दोनों के नीचे अलग नहीं लिखा तो इट इज एप्लीकेबल टू बोथ एंड मोस्ट ऑफ देम आर एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट सिमिलर सेक्शन है हार्डली okay? दो तीन चेंज है ओके दो एग्जाम्पल दूंगा पहला वाला सपोजिंगली दस लाख रुपया अलाउड अलाउड हा ट्वेंटी परसेंट देखना पड़ेगा ना हाँ नहीं, नहीं, कितना भी होगा अलाउड करेक्ट है वेरी इजी चलिए आपने लिया सेकेंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी एग्जाम्पल वन फाइव लैख एग्जाम्पल टू थ्री लैख सेकेंड हैंड अच्छा हाँ हाँ सर सेकेंड हैंड भी चलता है ट्वेंटी के लिमिट के अंदर होगा तो चलेगा करेक्ट है नहीं, नहीं 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 कितना भी होएगा तो चलेगा बिकॉज इंपोर्टेड इज ट्रीटेड एज गुड एज करेक्ट हैंड लोकल जो ऑर्डिनरीली तो अलाउड नहीं रहता है बट वॉट यू गॉट टू सी दिस टोटल लेडीज एंड जेंटमैन इस टोटल का जब हम ट्वेंटी परसेंट करते हैं तो वी गेट थ्री पॉइंट सिक्स तो एक बात मैं क्लियर कर दू कि जो मैंने यहां पे टोटल लिखा है ना दिस टोटल इज द ऑल इंक्लूसिव टोटल मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टोटल में मतलब इन दोनों का हम लोग को बीस परसेंट देखना है। इस टोटल का देखना है चेक करो इन दोनों केसेस में कौन सा वाला ये के 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 लिमिट के अंदर है एग्जांपल नन के बोथ तो ये ये अलाउड बिजनेस नॉट अलाउड मैक्सिमम सेकेंड लोकल प्लांट एंड मशीनरी शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऐसी कंडीशन बहुत सारे चैप्टर में आएगी आगे जाने बोथ दिस कंडीशन कम टूगेदर वेर एवर दे कम मित्रो यू ऑल अंडरस्टूड दिस आगे चले नेक्स्ट ये जो 115 बी ए बी है कंपनी वाला सेक्शन उसके अंदर एक पॉइंट लिखा है जो अब जो नया सेक्शन आया है 115 वन फाइव e, बी ए इसमें नहीं लिखा है सो कैन आई से दिस इज येट अनदर चेंज बिटवीन द टू सेक्शंस सिर्फ किधर लिखा है पहले वाले सेक्शन में लेफ्ट वाले में कंपनी वाले में ये सेक्शन जब से आया है तब से इन एवरी बैच आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स दिस इज नॉनसेंस रबिश इजिकल मीनिंगलेस वियर्ड बेसलेस वाहियात बकवास एंड मोर वर्ड्स दिस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड ऐसा मैं डे वन से बोल रहा हूं ये पॉइंट इलॉजिकल है इसका कोई सिर पैर नहीं है ये नहीं होना चाहिए आई विल बिकम फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिलीट दिस एंड नाउ आई एम प्रूव एन राइट क्योंकि इस वाले में ये पॉइंट नहीं लिखा है वैसे तो दोनों सेक्शन पूरे सेम है सब कंडीशन भी सेम है एक्सेप्ट द नेचर ऑफ़ तो ये कंडीशन भी सेम होनी चाहिए थी सभी कंडीशन सेम रखा ना तो ये कंडीशन भी सेम होनी चाहिए थी क्या नहीं। लेकिन नहीं है क्योंकि जहां लिखी है वहां ही लॉजिकल है ये लोग बोलते हैं दैट आप अपने बिजनेस में यू शुड नॉट यूज एनी बिल्डिंग ट वॉज प्रीवियसली यूज एज अ होटेल और अ कन्वेंशन सेंटर आपके बिजनेस में ऐसा कोई भी बिल्डिंग प्रीमाइसिस नहीं होना चाहिए जो आज के पहले होटेल था या कन्वेंशन सर होटल तो मालूम है कन्वेंशन सेंटर क्या होता है कन्वेंशन सेंटर अरे वो फंक्शन करने के लिए बैंक होता है बैंक हाउस गिव मी अ चेयर ये लाउड चेयर ये वो बीस बाई का होल होता है ना बीस <laughs> बाई हाँ, का होल वही 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 सॉरी प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड टेक इन लाइट लाइट हार्ट ओके हाँ तो वो वो कन्वेंशन सेंटर होता है आपके ऐसे कोई प्रीमाइसिज नहीं अरे ब्रो वैसे भी मैं मैन्युफैक्चरर है तुम समझा नहीं एंड एज फार एज कॉर्पोरेट ऑफिस इज कंसर्न वो कॉर्पोरेट ऑफिस में किधर भी बनाऊ यार में कोचिंग क्लास कन्वर्ट कर दिया तो वो मेरे पास पहले बैंक में कन्वर्ट कर दिया फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और जो पहले पे था, वो मेरा बन गया। तो नॉट अलाउड लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर को इससे क्या लेना देना बस खाली लिखा हुआ एक कंडीशन है और आपको वो पढ़ के जाना और लर्न करके जाना है दिस इज स्टूपिड नॉनसेंस इलॉजिकल बेसलेस वियर्ड बकवास वाहियात

मैं बोलूंगा तो लॉ बनाना पड़ेगा आपको मैं अड़ानी हूं आप कौन है आप आज है कल नहीं रहेगा कल डिफेंस में थे आज फाइनेंस में कल किधर और रहेगा मैं बोलूंगा लेकिन सुनो ये कंडीशन आप डालोगे ना तो मैं एलिजिबल होएगा साथ में ये अंबानी भी एलिजिबल होएगा लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दो तो ये वाली कंडीशन खाली मैं ही फुलफिल कर पाऊंगा ये अंबानी नहीं कर पाएगा तो मेरे को मिलेगा उसको नहीं मिलेगा कई बार जो इंडस्ट्रियलिस्ट

अरबास हाँ, खान, खान समझे ना लेस पीसीएस में अगर आप लाइसेंस लेते हो गवर्नमेंट से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का लाइसेंस माइनिंग का लाइसेंस टोल प्लाजा का लाइसेंस पार्किंग लॉट चलाने का लाइसेंस तो उस उसपे आपको टीसीएस देना होगा तो वो लाया और फिर अंबानी जी बोले कि ऐसा कैसे माइनिंग पे कैसे तुम लगा सकता है मेरा भी तो रिफाइनरी चल रहा है जामनगर में तो देन नेक्स्ट ईयर दे माइनिंग विल एक्सक्लूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस

एंड देवी फाइनली वी ऑल्सोडर चैप्टर फर्स्टर इंट्रोडक्शन टैक्स रेट्स यू आर गोइंग टू कम्प्यूट योर नेट टैक्सेबल टोटल इनकम अरे एन टी टी आई पे टैक्स लगता है ना एंड बीच में लिख रहा हूं मतलब दोनों के लिए ये पॉइंट है नेट टैक्सेबल टोटल इनकम इस नेट टैक्सेबल टोटल इनकम को आप डिवाइड करोगे इन टू पार्ट्स। इनकम्स दैट आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स एंड इनकम्स दैट आर टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स जो स्पेशल रेट्स में टैक्स होती है उसके ऊपर तो द रेट्स गिवन इन चैप्टर ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व मैं तो क्या बोलता हूं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई लैंड बेच दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ तो वो थोड़ी यहां पे आएगा 25.168 या 17.16 ये सब में नहीं जाएगा स्पेशल तो रेट इस कंपनी ने दूसरे कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज की थी और बेच दी स्पेर पैसा पड़ा था तब कर दिया सुनो दूसरा बिजनेस करना अलाउड नहीं है अरे और नो। दूसरा बिजनेस करना अलाउड नहीं है, नहीं है। लेकिन कैपिटल गेंस तो हो सकता है ना वी सेड ओनली मैन्युफैक्चरिंग नो अदर बिजनेस वी डिड नॉट से ओनली पीसीबीपी नो अदर हेड ऑफ इनकम दे कैन हैव कैपिटल गेंस कैन कैन दे दे हैव विनिंग्स अरे बाकी सब छोड़ दे यार कंपनी है पैसा कमाएगा अकाउंट में पैसा तो पड़ा रहेगा ना तो बैंक विल गिव इंटरेस्ट तो हम क्या बोलेगा नहीं नहीं अभी दूसरा इनकम हो गया तो डिस्कॉलीफाइड तो बैंक को बोलने का इंटरेस्ट मत देना नहीं अदर इनकम्स कैन उडर पीजीबीपीटिव सोसाइटी स्पेशल रेट वाली निकल जाएगी उस पर क्या टैक्स लगेगा स्पेशल रेट अब बात करते हैं छोड़ के सब हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है कैपिटल गेन जो स्पेशल रेट में जाता है वो लॉन्ग टर्म है या स्टॉक स्टॉक मार्केट मार्केट का का शॉर्ट टर्म है आने वाले समय में हम ये सीखेंगे दैट जो के बाहर कैपिटल गेन होता है वो भी लॉन्ग टर्म तो स्पेशल में ही जाता है जैसे आपने हाउस बेच दिया या लैंड बेच दिया या ज्वेलरी बेच दिया लॉन्ग टर्म विल ऑलवेज गोइंग स्पेशल बट शॉर्ट टर्म आउटसाइड स्टॉक मार्केट वो नॉर्मल रेट्स में जाता है तो वो हो सकता है ना इसका इस कंपनी का रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है क्या नहीं बिजनेस इज नॉट अलाउड दूसरा लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है अदर सोर्सेस हो सकता है सो दिस नॉर्मल इनकम कंटेंस एवरीथिंग तो इसमें हम लोग सब्रैक करेंगे इसका और सेग्रीगेट करेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सो यू अंडरस्टैंड अंडर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और अंडर पीजीबीपी द ओनली बिजनेस दैट यू आर अलाउड टू हैव मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे आपको पंद्रह जो लेटर ऑन सरचार्ज और सेस के साथ सेवनटीन पॉइंट वन सिक्स बन रहा है आई होप यू रिमेंबर बेसिक तो इसका पंद्रह ही था तो हम लोग अगर नीचे प्लस सेस प्लस सरचार्ज और प्लस सेस लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का इनकम विल बी टैक्स मतलब हम आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन पीजीबीपी यू आर नॉट अलाउड टू हैव एनीथिंग अदर देन मैन्युफैक्चरिंग बट यू कैन हैव अदर हेड्स ऑफ इनकम उसमें से जो स्पेशल रेट में जाएगा उसको जाने दो लाइक स्टॉक मार्केट या लॉन्ग टर्म कैपिटल लेकिन जो नॉर्मल रेट्स में आएगा वो पंद्रह में नहीं जाएगा ये पंद्रह का प्रिविलेज आठ परसेंट का बचत इज ओनली ऑन दी प्रोफिट दैट यू जनरेट आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या सिंपल भाषा में बोलेगा तो तुम्हारे जो अदर हेड्स ऑफ इनकम है ना हाउस प्रॉपर्टी जो तुम कमा सकते हो अदर सोर्सेस जो तुम कमा सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन स्पेशल रेट क्योंकि कोई कोई तो नॉर्मल में भी जाते हैं तुम कमा सकते हो वो सब पहली बात तो कमाना अलाउड है बिकॉज इट इज अदर देन पीजीबीपी और दूसरी बात पंद्रह नहीं मिलेगा उसके ऊपर पंद्रह का बेनिफिट इज ओनली फॉर मैन्युफेक्चरिंग इज दैट क्लियर तो वट विल बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रोफिट ओनली पार्ट एक्चुअली सच बोलूंगा तो जो आपका वन वन फाइव बी ए बी में या वन वन फाइव बी ए में जो हमने जो आपको प्रिविलेज दिया है ना वो सिर्फ इसके लिए दिया है ये जो ऊपर के दो सेक्शन है ना ये खाली आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए क्रिएट हुए आप समझे क्या चलिए आगे चलेंगे अब आप सोचेंगे सर अब जो भी बची वो सब हो गई नहीं अब और भी बिजनेसिस हैं और भी बिजनेसिस नहीं सॉरी और भी अदर हेड्स ऑफ इनकम है यू कैन बी हैविंग समथिंग कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स वॉट आर यू हैविंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स मैं समझाता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा इधर जाएगा शॉर्ट टर्म अगर स्टॉक मार्केट होगा तो इधर जाएगा शॉर्ट टर्म अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स में है

नहीं मिलेगा सर पंद्रह नहीं मिलेगा तो क्या लगेगा ये ट्राई करोगे ना तो यू कैन प्रूव टू तो होल वर्ल्ड कि आज का लेक्चर जब से शुरू हुआ है आप एक्चुअली समझ रहे हो कि आज के लेक्चर में हुआ क्या है कैन समय गैस मैं खाली इतना आपको हिंट दे रहा हूं पंद्रह परसेंट का प्रिविलेज इज ओनली फॉर योर प्रॉफिट ऑफ पीजीबीपी विच इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग ये किस रेट पे जाएगा पंद्रह में नहीं जाएगा दैट्स माई हिंट और ये स्पेशल वाला नहीं नॉर्मल वाला है This will go in ए, से आया? से आया? जो ऊपर वाला है ना वो तो कितना वाले था. तो जो प्रॉफिट यहां पर अलाउड है सिर्फ उसको लेके आओ जो यहां पर नहीं है उसको ऊपर लेके जाओ दैट अंडर ट्वेंटी टू परसेंट उस पर रहेगा 15 का प्रिविलेज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलिए नेक्स्ट इसके अलावा इज इट पॉसिबल दैट यू हैव अदर हेड्स ऑफ इनकम कैन यू हैव हाउस प्रॉपर्टी आई एम आस्किंग यू हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है यस अदर सोर्सेज बैंक इंटरेस्ट और एनीथिंग कैन में खाली मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद कुछ भी हो सकता है समझ लो आपका रेंटल इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है वो यहां पे नहीं जाएगा बिकॉज इट इज नॉर्मल रेट वो इस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है करेक्ट एंड ऑफ कोर्स कैपिटल गेन तो नहीं है नहीं तो इसमें लिख देता तो वो भी विद द सेम लॉजिक ट्वेंटी टू परसेंट में जाएगा बिकॉज वंस अगेन बी ए बी का टारगेट मैन्युफैक्चरिंग है पर बी डबल ए का तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल ना और बी डबल ए का रेट मतलब आप आठ परसेंट का जो सेविंग्स करोगे दैट कैन बी डन ओनली एंड ओनली फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट करेक्ट सर डाउट तो तुम ये सीधा लिख दो ना ऑल अदर incomes. क्योंकि दोनों का रेट खाली यहां पे इन्होंने एक चीज बोली है आपको इन इनकम के सामने कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इन इनकम्स के सामने आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इसीलिए खाली ये दो अलग किया

तो वो हमारा कैपिटल गेन बनेगा ट्वेंटी टू परसेंट बनेगा लेकिन जब हम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो हम देते हैं डिडक्शन लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट डिडक्शन वो नहीं मिलेगा जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करते हैं सो इफ एक्सपेंडिचर, वी मिलता है जो आपको सेक्शन 57 में मिलता है वो आपको डिडक्शन 24 का का डिडक्शन अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड 57 का का डिडक्शन अगेंस्ट अदर सोर्सेस. वेट डिडक्शंस वी आर नॉट टेकिंग अगेंस्ट हेड्स ऑफ इनकम वो किसके सामने लेते हैं इन सबको जब हम एग्रीगेट करते हैं और टोटल के सामने

सर फिर अब तो सब कुछ खत्म हो गया देखो स्पेशल रेट चला गया फिर हम नॉर्मल में आए नॉर्मल में खाली मैन्युफैक्चरिंग को अलग किया बाकी सब ट्वेंटी टू ही है ना मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एवरीथिंग इज सर देन व्हाई दिस ब्रेकअप क्योंकि कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा लेकिन बाकी के हेड्स में दूसरा कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होगा कैपिटल गेन में हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कॉस्ट नहीं मिलेगा दैट विल बिकम नॉनसेंस सर एक लास्ट चीज लास्ट चीज ओके okay? इफ you are showing supernatural profits due to transactions with related parties as computed by ao ao परसेंट टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर खाली लॉजिक समझ लो सब समझ में आ जाएगा मेरे दो बिजनेस है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग और एक कोई भी पुराना बिजनेस वेदर मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस एनीथिंग द ओनली बिजनेस एलिजिबल फॉर फिफ्टीन परसेंट इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड आई थिंक अबाउट इट जो दूसरा वाला है वो तो एलिजिबल नहीं है समझ लो मैं एसी भी बनाता हूं और मैं कोचिंग क्लास भी चलाता हूं तो एसी मैन्युफैक्चरिंग इज एलिजिबल फॉर फिफ्टीन कोचिंग क्लास इज नॉट तो एसी वाले बिजनेस से कोचिंग क्लास को ए बेचने का तीस हजार का ए सी तीन तीन करोड़ में एसी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया कोचिंग क्लास का कम हो गया उसके एक्सपेंसिस ज्यादा है ना मेरा ही है ना किसी को देना है नहीं देना है देन वाई एम आई डूइंग दिस जबरदस्ती का तीस हजार का एसी तीन करोड़ में बेच के क्यों कर रहा हूं बिकॉज अगर मैं एसी बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट दिखाऊं तो दैट प्रॉफिट विल बी प्रॉफिटीन परसेंट और कोचिंग क्लास में तो फिफ्टीन परसेंट का बेनिफिट नहीं है ना मुझे वेन यू हैव मल्टीपल एक्टिविटीज वन एलिजिबल वन इन एलिजिबल वेन आई से एलिजिबल मतलब एलिजिबल फॉर वॉट ये पंद्रह परसेंट तो आप उनके जो आपस के ट्रांजेक्शन करवाओगे वो जान के प्राइस को मैनिपुलेट करोगे आई होप यू योर कंट्रोल अगर कोचिंग क्लास भी आपका है एलिजिबल असेसिंग ऑफिसर की नजर अगर पड़ गई तो वो बोलेगा सुन तीस हजार का एसी है और तूने कितना दिखाया तीन करोड़ ये जो तूने एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाया है ना इधर प्रॉफिट दिखाने का मन हो रहा था ना दिखा दिखा यू वॉन्टेड टू शो मोर प्रॉफिट इन मैन्युफैक्चरिंग नो दिखा मेरे हिसाब से जितना नॉर्मल प्रॉफिट है उतना पंद्रह में जाएगा जो भी तूने एक्स्ट्रा प्रॉफिट सुपर नेचुरल प्रॉफिट दिखाया उस पर तेरे को पंद्रह नहीं मिलेगा थर्टी परसेंट इफ यू ट्राई टू बी स्मार्ट एंड शो अननेसेसरी इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स, तो द इनफ्लेटेड प्रॉफिट एज कंप्यूटेड बाई दिंग ऑफिसर विल बी टैक्सेबल टेक्ट रेट ऑफ थर्टी परसेंट तो जो इज्जत के साथ मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट है सिर्फ उसका एंड ऑफ़ कोर्स यू नो दिस तो बी ए बी बी ए का है ये ऊपर वाले दो सेक्शन का है बी ए या कॉपरेटिव सोसाइटी का बी एडी और ये एक लाइक अ पनिशमेंट इन नेचर वाला है तो इन सब केसेस में कॉमन में क्योंकि हमको पता है ये ये एक्चुअली एक्चुअली नहीं नहीं होता 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 है 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 तो बिकॉज़ इन सब केसेस में है ना तो मैं ये कॉमन में लिख रहा हूँ क्योंकि फिर इट कैन अप्लाई टू ऑल ऑफ दरचार्ज कब आएगा दिस सर चार्जमेन दिस सरचार्ज ऑलवेज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस विल बी टैक्स परसेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का प्रॉफिट विल बी 20 ए, एक मिनट आर यू अलाउड टू हैव अदर इनकम हाँ तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आपके दूसरे आपके आईएफ ओ हो सकती है क्या हाँ यस yes. हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है क्या हो सकती है कोई और हेड ऑफ इनकम हो सकती है क्या हो सकती है खाली बिजनेस में अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं हो सकता बोलो यस नो नो तो आपके जो दूसरे जितने भी प्रॉफिट विचार अलाउ वो सब आपके ऊपर वाली रेट्स के हिसाब से ट्वेंटी टू बट विथ सर चार्जेंस अच्छा भाई दबे आप इसको ट्वेंटी और इसको सेवेंटी पॉइंट वन सिक्स करके डायरेक्टली एड कर दो या फिर पंद्रह और 22 लगा के टोटल में में और लगाओ लगाओ इट विल बी द सेम आंसर मानते हो ना इस बात को कि नंबर से मैच से यू अंडरस्टैंड नो टोटल में कि आप हर एक पे okay? तो लेडीज एंड जेंटमैन बॉयज एंड गर्ल्स देवियो सज्जनों मित्रों मित्रों के मेंबर्स फाइनली हम बोल सकते हैं अल्टीमेटली जाके जो चीज किसी जमाने में डेढ़ लेक्चर में एक लेक्चर और एक घंटा चार घंटा फिर थोड़ा आगे जाके दो लेक्चर टी लास्ट ईयर ढाई पौने तीन लेक्चर और फाइनली पौने चार से अ अलिटल ज्यादा लेक्चर में फाइनली इंट्रोडक्शन द थिंग बट द गुड न्यूज कि क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाले सेक्शन की है तो साथ में आईएफएससी का मीनिंग क्या होता है ये जो दो कंडीशन होती है स्प्लिटिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाली या आपका जो 20 लोकल वाली या एनी अदर नोटिफाइड का मीनिंग क्या होता है ये बहुत सारी चीज है आज नहीं तो बाद में करनी पड़ती है सो वॉट एवर टाइम एक्स्ट्रा इन इंट्रोडक्शन इज लेटर ऑन गोइंग टू बी सेव एक्स्ट्रा टाइम खाली लगा हमको जितना बीएडी वाला पार्ट है अगर बीएडी वाला पार्ट नहीं होता तो बाकी सब तो पहले से भी था ओके सो फाइनली वी कैन से दैट अवर इंट्रोडक्शन चैप्टर इज ओवर थैंक यू वेरी वेरी मच एवरी